चलो स्टार्ट करें। लाइट बंद करो क्या? नया पढ़ते यहाँ तक हो गया था कल एयरफोर्स तक, ठीक है। तीन कमांड है और तीन कमांड का और नया डिपार्टमेंट का नाम भी देखा था कल, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो नया डिपार्टमेंट का, ठीक है। और कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट देखा था, नेटमो, सर्वे ऑफ इंडिया, BRO, ठीक है। नए से पढ़ते हैं। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल, एयरफोर्स, एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर, ठीक है। हम लोग दुनिया में फोर्थ नंबर पे चल रहे एयरक्राफ्ट एयरफोर्स में, फर्स्ट नंबर पे यूएसए, रशिया और लास्ट चाइना, हम लोग फोर्थ पे चल रहे, ठीक है। और इंडिया के पास जितने भी इंपॉर्टेंट फाइटर प्लेन्स है और मिसाइल्स है, उसके आधार पर इंडिया का जो कैपेबिलिटी रेशियो है फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। एयर चीफ मार्शल यहाँ का हाईएस्ट पोस्ट होता है। ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन है, ये सब पूछते नहीं, पर फिर भी जीके के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरे इंडिया में एयरफोर्स के कुछ कमांड्स होते हैं, फंक्शनल कमांड्स हैं, स्ट्रेटेजिक कमांड, ऑपरेशनल कमांड्स मतलब जो लड़ाई के लिए तत्पर है, ठीक है। और फंक्शनल मतलब इनका मेंटेनेंस होता है, एक बैंगलोर में और एक नागपुर में, ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग के कौन कौन से फाइटर प्लेन्स है, ट्रेनिंग के लिए हम लोग कौन से फाइटर प्लेन्स यूज करते हैं, MiG-21, 29 वगैरह नहीं कर सकते, बड़े प्लेन्स है, इनको ट्रेनिंग मोड में नहीं उतारते। ट्रेनिंग कमांड के लिए जो हमारे फाइटर पायलट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए इंडिया में ज्यादातर 2-3 की कैटेगरी यूज करते हैं। उनमें से एक प्लेन का नाम है किरण, नोट्स में आ गया, मैं किरण प्लेन है, फिर पिलाटस है, फोटोज देखा होगा, फोटो के साथ में पढ़ेंगे, किरण, पिलाटस और मिग जैसा ही एक प्लेन है जिसका नाम है हॉक, सेम मिग जैसा ही दिखेगा, मतलब कंप्लीट डिफेंस का है वो है हॉक। तो इंडिया में तीन प्लेन ट्रेनिंग कमांड यूज करते हैं, किरण, पिलाटस एंड हॉक, ये ट्रेनिंग प्लेन है। उसके बाद में सुकोई, तेजस वगैरह नाम सुना होगा आपने, उनकी फोटोज देखेंगे। नेक्स्ट मेंटेनेंस कमांड नागपुर में, बाकी एयरफोर्स के कमांड देखिए अलग अलग। सेंट्रल इंडिया को फोकस में रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कमांड कहाँ बनाया, सेंट्रल इंडिया में अलाहाबाद के लिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के लिए शिलोंग, फिर राजस्थान गुजरात के एरिया के लिए दिल्ली, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन गांधीनगर, साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ पर, गांधीनगर, और साउथ इंडिया के लिए तिरुवनंतपुरम, मतलब चारों एरिया के चार इंपॉर्टेंट बेसिस, ठीक है। ज्यादातर ट्रेनिंग के जो छोटे मोटे प्लेन्स है वो ग्वालियर में भी रखे जाते हैं, ठीक है। सभी प्लेन्स बैंगलोर में रखते हैं, एक नीचे का डिवीजन होता है और एक ग्वालियर का डिवीजन। ग्वालियर कौन सी सिटी में, इसमें आता है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इंडियन आर्मी, वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आर्मी आफ्टर चाइना, इंडियन आर्मी, ये भी कल हुआ था, और उसके साथ कमांड्स थे। और इंडियन आर्मी के पास में भी कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उन हेलीकॉप्टर के नाम देखिए क्या। इंडियन आर्मी 15 जनवरी को सेलिब्रेट होती है, और हेलीकॉप्टर कौन कौन से, ध्रुव, रुद्र, चेतक और चीता। हम लोग ये हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स पढ़ते क्यों है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कैसा है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और डिफेंस इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हुआ, और ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं डिफेंस का, ये कहाँ कहाँ उपयोग में आ सकता है। सबसे पहले तो उपयोग में आएगा ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी में, नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर वगैरह जो है, सॉरी ना, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पूछ सकते हैं कि DRDO के अचीवमेंट्स क्या है, पूछ सकते हैं ना। इसरो को हम लोग स्पेस में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का ICAR किस में पढ़ेंगे, ठीक है, CSR का अलग पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो डिफेंस रिलेटेड पढ़ रहे हैं, मतलब डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा उसके बारे में, इसरो ने कौन कौन से अचीवमेंट्स किए, ठीक है। या फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हम डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पढ़ रहे हैं, चाहे वो आर्मी का हो या एयरफोर्स का हो। नेवी का कल देखा था, सबमरीन्स, सबसे छोटे कॉर्बेट होते हैं, उससे बड़ा वर्जन फ्रिगेट, उससे बड़ा वर्जन डिस्ट्रॉयर, उससे बड़ा वर्जन क्रूजर, और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। और सबमरीन पानी के नीचे, जी पानी के नीचे सबमरीन, ठीक है। कुछ ऐसे भी शिप होते हैं जो लैंड पे भी चलते हैं और सी पे भी, एम्फीबियस शिप्स, ठीक है। तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब
इंडिया में जितने बड़े बड़े प्लेन्स है जो अब हम लोग नाम पढ़ने वाले हैं, ये सभी के सभी प्लेन्स अलग अलग एरिया में बनते हैं। पहले तो ये प्लेन्स हम लोग दूसरे कंट्री से खरीदते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस नाम सुना होगा, मिसाइल का नाम है, ये दूसरे कंट्री से खरीदते हैं। और बाद में आजकल इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ खरीदता ही नहीं बल्कि उन लोगों से ऐसा मैकेनिज्म लेता है कि उसका प्रोटोटाइप इंडिया में डेवलप हो, जिसको हम लोग कहते हैं टीओटी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा ब्रह्मोस हम लोग पहले रशिया से लेते थे, अभी जॉइंट वेंचर के आधार पर हम लोग ब्रह्मोस खुद बनाते हैं, ठीक है। और इंडिया में जो ब्रह्मोस बनाते हैं, संस्था का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हाल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें, तो इंडिया में जितने इंपॉर्टेंट अभी हम लोग पढ़ने हैं, जैसे आपने इसका नाम सुना होगा ग्लोब मास्टर प्लेन, हरकुलस प्लेन, सुकोई, तेजस, ये सभी हम लोग बाहर से खरीदे हैं, लेकिन सभी के सभी इंडिया में बनता है। और बनाने वाला मेजर बिल्डर है बैंगलोर बेस्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन और प्रोक्रूटमेंट के एरियाज में 9 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, 9 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर, मतलब रक्षा मंत्रालय के अंदर में 9 सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है। सबसे पहली, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है हाल, नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बैंगलोर में 3, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा लर्न करा रहा हूँ, बैंगलोर में 3 है, तेलंगाना हैदराबाद में 2, कितने हो गए 5, और बाकी 4 समुद्र के एरियाज पर, कोस्टल एरियाज पर, ऐसे टोटल कितने हो गए 9 रेशियो, 5 इंटरनल एंड 5 एक्सटर्नल पीछे से तरफ। फॉर एग्जाम्पल उनके नाम देखिए, पहले का नाम है बैंगलोर बेस्ड हाल, ठीक है। ये क्या करेगी, पूरा का पूरा प्लेन डेवलप करेगी, उसका जो मेन प्रोटोटाइप है वो सब करेगी। अब प्लेन के अंदर में होता है कॉकपिट, और कॉकपिट के अंदर में आपने देखा ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मीटर वगैरह, अलग अलग कलर्स के मीटर्स होते हैं, वो जो मीटर्स जो बनाते हैं उसका नाम है भेल, BEL, भारत, ठीक है, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरा और एक संस्था है भेल, BHEL, वो एक पढ़ेंगे। फिर एक होता है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिश्र धातु मतलब धातु मतलब मेटल्स, प्लेन्स और इक्विपमेंट बनाने के लिए मेटल्स चाहिए, जितना मेटल्स का वजन हल्का उतना ज्यादा उसकी पेलोड कैपेसिटी हो सकती है, मतलब ज्यादा बारूद भर सकते हैं हम लोग। ये जो फाइटर जनरेशन के प्लेन्स अभी हम लोग पढ़ने वाले, पुराने जमाने के जो प्लेन्स कितने बल्कि और हेवी होते थे, ठीक है, और अभी के प्लेन्स देखिए कितने लाइट है, लाइट वेट है, ठीक है। तो जितना जनरेशन ऑफ प्लेन्स बढ़ेंगे उतना उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उतना उसका वेट कम रहेगा और पेलोड क्षमता ज्यादा, पेलोड क्षमता मतलब आर्म्स और एमिनेशन ज्यादा कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम लोग प्लेन्स पढ़ने वाले वो है फर्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन से लेकर 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स। इंडिया काफी पीछे चल रहा है, इंडिया में अभी जो हाईएस्ट प्लेन है फिलहाल आज के दिन में वो 4.5 जनरेशन का है, अभी हम 5th और 6th पर फोकस कर रहे हैं। अमेरिका चाइना के पास में 6th जनरेशन देखा गया है, ठीक है। एक है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, भेल BHEL और BEL, ठीक है, एक हाल, कितने हो गए 4, ठीक है, हाल HAL, BHEL, BEL प्लस मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिधानी कहते हैं उसको, मिधानी, ऐसे 4 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है फिर आप उसका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है, धातु और डायनेमिक्स दोनों हैदराबाद में, आगे में है नोट्स में, धातु मिश्र धातु निगम लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये दोनों कहाँ पर है, हैदराबाद, बाकी सभी बेंगलोर में, ठीक है। अब बचे कितने कोस्टल एरिया पर, 4, एक हो गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा पंजी, ठीक है, दूसरा हुआ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम वाइजैग, दो हो गए। थर्ड है गार्डन रिच RECH शिप बिल्डर्स लिमिटेड कलकत्ता, ठीक है, और फोर्थ है माजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई। तो पूरे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो 4 कोस्टल पर है और 5 इंटीरियर है। जो कोस्टल पर है, सबसे फर्स्ट माजगांव डॉक लिमिटेड बॉम्बे, उसके नीचे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पंजी गोवा, इस साइड में बॉब की तरफ में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, वाइजैग जानते ना, वाइजैग कहाँ पे आते हैं, आंध्रा की तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और वाइजैग के ऊपर में फोर्थ इंस्टीट्यूट का नाम है GR, गार्डन ब्रिज, RECH शिप बिल्डिंग इंस्टीट्यूट या बिल्डर्स, वो है कलकत्ता, ठीक है। ये 4 कोस्टल हो गए,
और पांच इंटीरियर में सबसे टॉप मोस्ट पे चलता है हाल बेंगलोर का, ठीक है, भेल, BHEL, BEL और HAL, ये तीनों जो है बेंगलोर में। हैदराबाद में दो है, DD नाम के, मिश्र धातु निगम लिमिटेड और भारत डायनामिक्स। ऐसे टोटल कितने इंस्टीट्यूट है? 9, ठीक है। अब फर्स्ट देखिए, सभी के सभी इंस्टीट्यूट जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर दिल्ली। इसके हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर बैंगलोर, और गठन कब हुआ इसका? 1940, मतलब ब्रिटिश के जमाने, तब से चल रहा है प्रोटोटाइप, 77 ईयर्स एगो, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज इंडियन स्टेट ओन्ड एंड डिफेंस कंपनी, हेडक्वार्टर बैंगलोर, और इट इज द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। कल हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पांच ऑफिसेस है, उसमें से लास्ट वाला था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। एक एक सर्विस मैन वेलफेयर भी था एक डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, बैंगलोर बेस्ड हाल कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है इंडिया में? सबसे फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाता है। नाम बताइए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के। गजराज और जी ग्लोब मास्टर 137 और हरकुलस, तीन अलग हो गए। और गजराज का नाम है रशियन मेड है, गजराज जो है वो रशियन मेड, इल्यूजन 76 नाम है, ठीक है। एक इल्यूजन आयल कीजिए, आयल रखिएगा, आयल 76, एक ये रशियन ब्रांड है, ब्रांड ध्यान रखिए। ये जो ब्रांड इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि कल जाके अगर डिफेंस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है उसमें आप लिख सकते हैं इंडिया का डिफेंस प्रिपेडनेस क्या है, या फिर इंडिया रशिया या इंडिया अमेरिका, बायलेटरल रिलेशंस। IL-76, ग्लोब मास्टर, हरकुलस, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और एक का नाम है एवरोस, AVROS, एवरोस एयरक्राफ्ट, बहुत पुराने जमाने का एयरक्राफ्ट इंडिया में है, जब ग्लोब मास्टर और हरकुलस आने के थे तब से। उसके जगह पर अभी नई कंपनी आई, बोइंग कंपनी, नाम सुना? बोइंग कहाँ का है? USA। एयरबस, एयरबस स्पेन, बोइंग अमेरिका, एयरबस स्पेन, फिर मिग प्लेन्स, मिग रशियन, फिर मिराज 2000, नाम सुना होगा मिराज प्लेन्स, वो कहाँ के? मिराज और रेफेल दोनों फ्रांस के, मिराज और रेफेल प्लेन्स कहाँ के? फ्रांस के। कंपनी का नाम डेसॉल्ट एविएशन, डेसॉल्ट एविएशन फ्रांस। तो इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जैसे कि हरकुलस, एवरोज, ग्लोब मास्टर, इल्यूशन 76, या फिर आपने इसका भी नाम सुना होगा चिनुक, चिनुक नाम सुना होगा, ऐसे दो ये है उसमें विंग्स है, ठीक है, अमेरिकन ब्रांड है चिनुक, हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। उसके बाद इंडिया के जितने भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम लोग पढ़ने वाले चीन से लेकर सभी, वो भी हॉल बना था बैंगलोर बेस। नेक्स्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, तेजस से लेके MiG-21, MiG-25, MiG-35, ये सभी प्लेन्स देखेंगे। और हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स का नाम बताओ चार, इंडिया के हेलीकॉप्टर्स के चार नाम जी, रुद्र, ध्रुव, एक पहले ध्रुव कहिएगा, ध्रुव का एडवांस रुद्र, एक चेतक, चीतल, चेतक चीतल, एक चीतल भी है, ठीक है, चेतक, चीतल और चीता, चीता ओल्ड है थोड़ा। नेक्स्ट, इसके अलावा इंडिया के सबसे फास्टेस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्लेन्स सुकोई 30 MKI है। इसके अलावा इंडिया ने खुद बनाया है हॉक, हॉक इंडिया का ट्रेनर प्लेन है, एडवांस जेट ट्रेनर, मतलब जिनको सुकोई के ऊपर, जिन पायलट्स को सुकोई की ट्रेनिंग मिलती है तो सुकोई की ट्रेनिंग के लिए पहले उनको ये प्लेन्स बनाना पड़ता है हॉक, ठीक है। और हॉक का छोटा वर्जन है पिलेटस और उसका छोटा किरण, तो किरण, पिलेटस एंड हॉक इंडिया में ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, दुनिया का सबसे हल्का वजन का प्लेन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। डॉर्नियर 228 लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जो पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ से दी जाती है, ग्लोब मास्टर, हरकुलस, इल्यूजन रडार से पहले उनका ट्रेनिंग यहाँ से होता है डॉर्नियर से, ठीक है। हेलीकॉप्टर का नाम ध्रुव, ठीक है, और बेसिक हेलीकॉप्टर्स चेतन। ये सभी इंडिया के मेड इन इंडिया प्रोग्राम के एग्जांपल्स। अब जनरेशन ऑफ प्लेन्स,
फाइटर जनरेशन चालू होती है फर्स्ट से लेके सिक्स तक। अभी दुनिया में ज्यादातर जो टॉप प्लेन्स है वो 4.5 जनरेशन के, और अमेरिका, रशिया, चाइना, इनके पास में 6 जनरेशन के प्लेन्स देखे गए हैं। इंडिया में 4.5 जनरेशन तक फिलहाल है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुई थी तब पहली बार प्लेन स्टार्ट में आए थे, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के वक्त में फर्स्ट जनरेशन चालू हुआ था। फिर हम लोगों ने अप्रोक्स 1950-53 में एक लड़ाई देखा था जिसका नाम था कोरियन वार के वक्त में सेकंड जनरेशन स्टार्ट, मतलब धीरे धीरे लड़ाई चलती गई और उसके हिसाब से नए नए प्रोटोटाइप आने लगे। फिलहाल इंडिया में 4.5 जनरेशन चल रहा है और वर्ल्ड में 6 जनरेशन। जितना ज्यादा जनरेशन रहेगा उतना कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी, इंटरऑपरेबिलिटी ज्यादा रहेगी। एवोनिक्स सिस्टम, एवोनिक्स मतलब उसके अंदर का जो एमिनेशन सिस्टम रहेगा, चाहे वो रडार हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गिनने का मेजरमेंट हो, जितना अच्छा रहेगा, ठीक है, उसके मतलब प्रॉपर उनको रियल टाइम डाटा मिलेगा। क्योंकि जब ये प्लेन्स ऊपर में उड़ते हैं उनका संपर्क कहाँ रहता है, नीचे ग्राउंड बेस में रहता है, ठीक है। और काफी प्लेन्स रडार में नहीं आने की वजह से या कुछ ऑपरेशन की वजह से उनका संपर्क जब टूटता है तो इश्यूज क्रिएट होते हैं, इसलिए एवोनिक सिस्टम भी अच्छा है। साथ साथ में इनमें पेलोड क्षमता भी ज्यादा है, जिस प्लेन की पेलोड क्षमता ज्यादा रहेगा उसमें डिफेंस कैपेबिलिटी ज्यादा रहेगी, और जितना जनरेशन बढ़ता बढ़ता जाएगा उसका प्लेन का वजन भी कम होगा। इंडिया का वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट मीडियम कैटेगरी का तेजस। कैटेगरीज होती है एयरप्लेन्स, कैटेगरी देखिए तीन कैटेगरी, हैवी वेट, मीडियम वेट और लाइट वेट। लाइट वेट ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता और हैवी वेट के प्लेन्स ज्यादा दूर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हैवी वेट के जो प्लेन्स होते हैं उनके रेंज मिनिमम कितना होता है, 3000, मतलब न्यू दिल्ली से उठेंगे अगर उड़ेंगे वो तो 3000 तक उनका कवरिंग रेंज रहेगा हैवी वेट, और इसका मतलब लाइट वेट का कवरिंग रेंज कम रहेगा, अप्रोक्स 500। तो इंडिया का जो तेजस है भले ही वजन में हल्का हो, ठीक है, लेकिन कितने किलोमीटर तक उड़ता है, सिर्फ 500, और सुकोई जो रशियन ब्रांड है 3000 किलोमीटर तक। तो प्लेन की कैटेगरी उसके हिसाब से किया गया। इंडिया में सुकोई 30M क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के प्लेन्स है हैवी वेट कैटेगरी के, और तेजस मीडियम एंड लाइट वेट कैटेगरी। इंडिया में सुकोई 30 पे ही हमको डिपेंड नहीं रहना है, फ्यूचर में हम लोग एक नए प्लेन बनाने वाले हैवी वेट कैटेगरी में, उसका नाम का AMCA। अभी 4.5 जनरेशन चल रहा है, फ्यूचर में कौन सा नंबर का आने वाला है इंडिया में, 5th जनरेशन, ठीक है, ये एडवांस्ड एयरक्राफ्ट रहने वाला है। इसके अलावा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंडिया के प्लेन्स देखे मीडियम कैटेगरी में कौन कौन से, फ्रांस का मिराज 2000, डेल्टा विंग मतलब हम लोग देखेंगे ऐसे प्रॉपर विंग होती है उसकी, डी शेप की। नेक्स्ट दूसरा यूके का जगुआर, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, यूके का जगुआर, और रशिया का MiG-29। रशिया, इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेन अभी फिलहाल MiG-29, ज्यादा फ्लीट मतलब ज्यादा प्लेन्स हमारे पास कौन से, MiG-29। इसका आउटडेटेड वर्जन था MiG-21, MiG-21 अभी डिकमिशन हो गया, अभी ज्यादातर चल रहे 35 और 29, MiG-35, MiG-29। उसमें से जो विक्रमादित्य कल देखा था हमने उसके ऊपर जो 29 फ्लीट्स रखी है प्लेन्स की, वो कौन से प्लेन्स के, MiG-29। उसके बाद फ्रांस कंपनी डेसॉल्ट एविएशन, फ्रांस कंपनी का नेक्स्ट फाइटर रफेल फाइटर, ठीक है। सुकोई का अलग कैटेगरी है, ये अलग है, ये देखो ये मीडियम रेंज में डालते हैं और इसको हैवी वेट, ठीक है, इसका रेंज देखिए रफेल एयरक्राफ्ट। लेटेस्ट इसमें पता चला है कि रफेल ज्यादा अच्छा कैपेबल है F-16 अमेरिकन प्लेन्स, F-16 नाम सुना होगा, F-15, F-14, F-16, ज्यादातर F के नाम जो है अमेरिकन ब्रांड है, और J-16, 17 ये चाइना के ब्रांड है। नेक्स्ट प्लेन्स, इंडिया में से कौन से प्लेन्स है जो अटैक वेरिएशंस में आते हैं, अटैक के लिए ट्रेनिंग अलग होता है और अटैक फील्ड अलग। एग्जांपल देखिए जगुआर ऑफ फ्रांस, यूके फ्रांस का, उसके बाद डेसॉल्ट एविएशन फ्रांस का, नेक्स्ट MiG-27, उसके बाद सुकोई 30 के बारे में दिया है, मिराज 2000, MiG-29, MiG-21, मिग का फुल फॉर्म दिया है मिकोइन गुरेविच, रशियन ब्रांड होने की वजह से, ठीक है। ये सभी के सभी प्लेन्स बेंगलोर में बनते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम हार, इवन हेलीकॉप्टर्स भी। ये कौन सा प्लेन है बताइए, रफेल, ये देखिए डेल्टा विंग दिख रही है और ये डबल डेल्टा है, छोटा विंग, ठीक है। इसके ऊपर ये आगे का पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये क्या होता है, हवा में रिफ्यूलिंग के लिए, प्लेन्स ऊपर के ऊपर में रिफ्यूलिंग कर सकते हैं उसके लिए होता है। और ये आगे में जो कोन दिख रहा है आपको, ये आगे के कोन्स, यहाँ पे रडार लगा रहता है,
ठीक है, ये देखिए डेल्टा विंग दिख रहा है, तो ये रफाल प्लेन है फ्रांस का, कौन से कैटेगरी का है, हेवी वेट की मीडियम कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी। नेक्स्ट रफाल के स्पेसिफिकेशंस, अमेरिका का सबसे बेस्ट प्लेन F-16 और इंडिया फ्रांस से लिया हुआ इंडिया वर्जन राइफल, इनका स्पेसिफिकेशन है, उतना काम का नहीं पर ध्यान रखने के लिए ठीक है, पढ़ लेंगे इतना पूरे फैक्ट्स है, आप हम सिर्फ कवर करें फटाफट। नेक्स्ट रशियन ब्रांड प्लेन देखिए, दिख रहा है डबल विंग है, और राइफल में कितना था सिंगल था, पीछे का जो विंग था एक ही था, यहाँ पे देखिए इसका ऊपर का विंग देखिए अलग स्ट्रक्चर का है, ये टॉप व्यू और ये बैक साइड व्यू, सुकोई दोनों में फर्क समझ सकते हैं, ये डबल है और वो उसमें सिंगल था, सुकोई इज अ ट्विन जेट, ट्विन जेट मतलब ट्विन जेट सुपर फाइटर डेवलप्ड बाय रशियन ब्रांड सुकोई। इंडिया में कितने सुकोई प्लेन्स है, 272 नंबर बिल्ड, 272। नेक्स्ट ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ इंडिजिनियस, ये भी देखो डेल्टा विंग दिख रहा है, ठीक है दो प्लेन्स एक साथ उठ रहे हैं, तेजस, ठीक है तेजस इज सुपरसोनिक, सुपरसोनिक मतलब साउंड के स्पीड से कम कि ज्यादा, ज्यादा साउंड के स्पीड से हम लोग सोनिक, सोनिक मतलब साउंड वेव्स, सबसोनिक साउंड स्पीड साउंड के वेव से कम, दूसरा सुपरसोनिक और उससे एडवांस हाइपरसोनिक, ठीक है तो तेजस कौन सा प्लेन है, सुपरसोनिक, सिंगल सीट डबल सीट, सिंगल सीट मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट केम फ्रॉम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, कौन सा विंग है, डेल्टा विंग है, ठीक है। इंडियन टेक्नोलॉजी प्लेन्स देखिए, इंडिया के टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में पहले जो इंडिया में इसका जो प्रोटोटाइप था खुद का बनाया उसका नाम क्या था, मारुत MARUT, उसका एडवांस वर्जन फिर अजीत, उसका एडवांस वर्जन तेजस, ये प्लेन किसके हैं, तेजस के। इंडिया में एक नया प्लेन बन रहा है उसका नाम है तेजस MARK 2, अभी इसका प्रोटोटाइप इंडिया में सिर्फ प्रोटोटाइप आया लेकिन काम चल रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर। और इंडिया के तीनों आर्मी चाहे वो एयरफोर्स हो आर्मी हो और नेवी हो इनका उपयोग कर सकती है, ज्यादातर एयरफोर्स और नेवी में रखे गए हैं। जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर उसका नाम है ध्रुव और उसका एडवांस वर्जन ये देखो यहाँ पर आर्म्स एंड एमिनेशन दिख रहे साइड में, ये रुद्र, ध्रुव एंड रुद्र ये दोनों बेंगलोर में बनते हैं। ध्रुव इज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय HAL बैंगलोर, whereas this is armed version rudra, in case mein dekhiye forward looking infrared matlab yahan par ye jo dikh rahe aage ke versions yahan par radar laga rehta hai, thermal imaging radar, anti tank guided missiles and air to air missiles, ye missiles dikh rahe sahi mein, ye air to air missiles guided missiles sab hote hain, aur ye propeller dikh raha hai aapko ye aisa gol gol यहाँ पे एक साथ, वो मूवीज में देखा होगा ना एक साथ ये निकलते गन्स निकलते उसको हम ये कहते हैं रॉकेट पॉड्स। नेक्स्ट ये वर्जन अलग है, ये देखिए इसका नाम है चेतक, इट इज सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसका फोटो देखिए आगे से अलग है, ठीक है ये कौन सा है चेतक, ये वाला देखिए ये इंडिया का पुराना वर्जन चीतल, ये पूरा आगे में ऐसा लंबा है इसका नाम चीतल, इट इज अ रीइंजर्ड वर्जन ऑफ चेतक हेलीकॉप्टर। इंडिया का सबसे फर्स्ट हेलीकॉप्टर ये देखिए, ये अलग है चीतल अलग है और चेतक अलग है, दोनों सेम ही दिख रहे हैं, ठीक है लेकिन ज्यादा एडवांस ये वाला है, इंडिया में जितने भी प्लेन्स है ज्यादातर चेतक और चीतल ही है, आउटडेटेड वर्जन है हेलीकॉप्टर्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और भी प्लेन्स बनाए, फर्स्ट नंबर पे दिया मैंने चीता, ये उसका फोटो है फर्स्ट सीन, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है Mi 8 Mi 17 Mi 25 Mi 35 है Mi 35, ये सब ये वाले प्लेन्स है जो नागपुर में उड़ते हुए देख रहे हो, देखे ना हेलीकॉप्टर्स हेवी बल्क हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो ये है Mi 17 या Mi 18, ठीक है Mi 35 बहुत एडवांस्ड है उसमें हेवी ऑपरेशंस और ये
आर्म सबमरीशन लगे, और ज्यादातर जो डिजास्टर रिलीफ या फ्लड वगैरह में जो हेलीकॉप्टर घूमते रहते हैं वो बेसिक वर्जन के, ये रशियन ब्रांड्स है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए ट्रेनर प्लेन्स। ये जो पहला प्लेन दिख रहा है आपको, इसका नाम है किरण। ये वाला पिलेटस, ब्लू कलर पिलेटस, ये किरण, और ये है हॉक। ये है हॉक, इंडिया का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, दो लोग बैठ सकते हैं इसमें एक साथ। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास में और भी प्लेन्स है, फॉर एग्जांपल अमेरिका का लॉकेट मार्टिन कंपनी यूएसए, बोइंग यूएसए, लॉकेट मार्टिन यूएसए। लॉकेट मार्टिन कंपनी से एक प्लेन खरीदे हम लोगों ने, वो है C-130J, जिसका नाम है सुपर हरकुलस, ठीक है। और एक है ग्लोब मास्टर बोइंग का, और रशिया का प्लेन इल्यूजन 76 और इल्यूजन 78, दोनों आयल कैटेगरी के। इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे 24 बड़े बड़े प्लेन्स है। ये इसका फोटो इल्यूजन का। गजराज, यह है गजराज, सिंगल टर्बो इंजन है, टर्बो फैन की दो टर्बो फैन है, दिख रहे हैं इसमें दो टर्बो फैन। इसका ऑपरेशन देखिए, ठीक है, गजराज नीचे से भी ऑपरेट हो सकता है, ऊपर से हो सकता है, ये हेवी प्लेन है एयरक्राफ्ट के लिए। तो फर्स्ट नंबर हमने ये देखा, ये कौन सा है, चीता, इसका लेटेस्ट वेरिएशन चीतल, बैलेंस, एयर बैलेंस करने के लिए रहते हैं। कोई भी हेलीकॉप्टर कभी भी ऐसे ही उड़ते हैं, आगे से ये करके पीछे में ये कराते हैं, वेट बैलेंस कराते हैं। जी नहीं समझा, पर उड़ते वक्त कोई भी हेलीकॉप्टर ऐसे ही उड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ता है। और आप देखो जब भी हेलीकॉप्टर उड़ता है कभी कभी वो ऐसे गोल भी घूमता है जगह पर, एयर प्रेशर के हिसाब से उड़ते हैं, ठीक है। और हेलीकॉप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है पीछे की चक्री होती है, मेन यही है जो कुछ भी है, ठीक है। तो चीता का लेटेस्ट वर्जन चीतल, चीता का लेटेस्ट वर्जन चीतल, ये MI प्लेन्स है हेलीकॉप्टर्स, ये हॉक पिलेटस एंड किरण, ये गजराज, गजराज का रशियन ब्रांड IL-76, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और इंडिया के चारों साइड में चारों है। मतलब कल जाके अगर फास्ट में हमको अरुणाचल प्रदेश में सैनिक भेजना है इंडिया के, अगर LAC में स्टैंड ऑफ होता है तो ज्यादा अच्छा हेल्प करने वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला भी है, और एक हरकुलस प्लेन। ये देखिए इस प्लेन का दूसरा इमेज, गजराज या इल्यूजन 76 का दूसरा इमेज, ये लद्दाख का इमेज है, लद्दाख का एरिया दिख रहा है प्लेन, रशियन ब्रांड इल्यूजन 76 इज मल्टीपर्पस, फोर इंजन 1, 2, 3, 4 टर्बोफैन, चार टर्बोफैन है ना, मल्टीपर्पस टर्बोफैन, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर, एयरलिफ्टर मतलब क्या क्या लेके जा सकता है अपने साथ में, आर्म्स एमुनिशंस लेके जा सकता है, इवन टैंकर्स लेके जा सकते हैं, या फिर ट्रूप्स लेके जा सकते हैं, मिलिट्री ट्रूप्स। नेक्स्ट, फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट तेजस तो बना चुकी है, अब तेजस मार्क टू पे फोकस कर रही है। देखिए डेल्टा विंग दिख रहा है, और इसमें ज्यादा एमुनिशंस लगे, इसका वजन कम रहेगा, और वजन कम रहने की वजह से आर्म्स और एमुनिशंस इसमें ज्यादा लगे है। तेजस मार्क टू, इट इज बेटर देन राफेल, कहा जाता है कि राफेल से फिलहाल ये बेटर कैटेगरी में रहेगा, लेकिन फिलहाल इसको टाइम है, इसका रेंज भी बहुत ज्यादा है, 1000 से लेके 3000 किलोमीटर इन मल्टी रोल कैपेसिटी। इट इज अ फिफ्थ जनरेशन प्लेन ऑफ इंडिया। अभी हमारे पास कौन सा चल रहा है, 4.5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और फ्यूचर में हम लोग इसको बनाएंगे ही नहीं बल्कि बेचेंगे भी, ठीक है। दूसरा प्लेन इंडियन एक्सप्रेस को देखिए, तेजस, द न्यू तेजस MK2, फिफ्थ जनरेशन प्लेन। उसके बाद राफेल वर्जन हम लोगों ने कहां से लिया, फ्रांस से लिया, और इंडियन गवर्नमेंट राफेल वर्जन में और अपना खुद का कॉन्सेप्ट लगा रही है, और एक नया प्लेन बना रही है, उसका नाम है इंडियास TED-BF। ये भी हमारे फ्यूचर प्लेन, ये कमिंग सून प्लेन से, तेजस MK2, और ये भी कमिंग सून प्लेन, ये ज्यादा बेटर रहेगा। और उससे यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या, ट्विन इंजन, ये भी देखो इसका राफेल जैसा है, राफेल में भी पीछे था डेल्टा विंग था और छोटा सा डेल्टा विंग था, राफेल कैटेगरी से बेस्ट है।
ठीक है, दिस फाइटर विल मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन नेवी, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। डेक बेस्ड मतलब, डेक मतलब क्या, जो है ये प्लेन्स होते हैं अपना, क्या बोलते हैं, आईएनएस विक्रम, विक्रांत, आईएनएस विक्रम आदित्य, मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर खड़े रखने के लिए प्लेन्स है। अभी इंडिया के पास में विक्रम आदित्य है जहाँ पे 29 MiG-29 खड़े हैं। कल जाके अब तक दो सी ट्रायल्स हो चुके आईएनएस विक्रांत के, आने वाले कुछ दिन में एंडिंग में या जैन के फर्स्ट वीक में आईएनएस विक्रांत कमीशन हो जाएगा, मतलब सर्विस देना स्टार्ट करेगा, उसमें भी हम लोग MiG-29 खड़े रहने वाले। पर आने वाले एक दो साल के बाद हम लोग बना रहे हैं आईएनएस विशाल, इंडिया का फ्यूचर का एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें जो प्लेन्स खड़े रखेंगे तब तक बागड़ ओवर आते तो अच्छा है। इसका नाम क्या है, ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, मतलब हम लोग आईएनएस विशाल पे रखने के लिए उसको बना रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के प्लेन्स। तो TEDBF एंड MK2 तेजस, ये कमिंग सून प्लेन्स। ये देखिए उसका फोटो, डेल्टा विंग दिख रहा है, मतलब रैफेल का ही एडवांस वर्जन है। रैफेल में से दो होते हैं, जगुआर में सिंगल, जगुआर में भी हम लोग सिर्फ डेल्टा विंग देखेंगे, तेजस में भी कौन सा था, डेल्टा विंग, आपको एक्स्ट्रा वर्ड ये नहीं दिख रहा। और सुकोई में हमने देखा था, सुकोई में पीछे में से दो विंग थे। नेक्स्ट, तो जितने बड़े बड़े प्लेन्स है ये सभी बैंगलोर में बनते ज्यादातर HAL। अब इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा PSU नाम, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, हेडक्वार्टर बैंगलोर। और तीसरा जो इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे उसका नाम है BHEL, भारत हेवी, वो भी बैंगलोर में, ठीक है। और जो दो डी वाले नाम आएंगे, मिश्र धातु निगम लिमिटेड एंड भारत डायनामिक्स, दोनों डी, हैदराबाद, ठीक है। तो हाल BEL एंड BHEL बैंगलोर, ठीक है। करंट अफेयर्स, रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेड अ न्यू मिसाइल, नाम आकाश। जाहिर सी बात है आकाश नाम है तो सरफेस टू एयर ही होगा, ये मिसाइल कैसा रहेगा, सरफेस टू एयर मिसाइल। फर्स्ट टाइम इन लोगों ने ये बनाया, मतलब जनरली मिसाइल्स HAL वगैरह बनाती है, पर इस बार फर्स्ट टाइम BEL ने भी एक खुद का मिसाइल बनाया, उसका नाम है आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडिया में ज्यादातर क्या बनाती है, यहाँ पे देखिए कोर एरिया क्या है इनका, फर्स्ट रडार, सेकंड वेपन सिस्टम, नेक्स्ट पानी के अंदर में सोनार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल एंड टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बनाने वाले। मतलब ज्यादातर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स से काम ये करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम ये करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अभी नीचे देखिए हर एक मिसाइल्स कोई ट्रक पे खड़े रहते हैं, ट्रक्स वगैरह रहते हैं ना इनके, तो ये जो ज्यादातर ट्रक्स यहाँ पर बनते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर बैंगलोर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स अ वैरायटी ऑफ हेवी इक्विपमेंट सच एज दैट यूज फॉर अर्थ मूविंग ट्रांसपोर्ट एंड माइनिंग, मतलब ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करेंगे ट्रक वगैरह वो सब बनेंगे बैंगलोर में, BEL। दूसरा है भारत डायनेमिक्स, डी आ गया, और नीचे में देखे डी, निधानी, मिश्र धातु, ये दोनों डी वाले कहाँ पे है, हैदराबाद, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर गाइडेड वेपन सिस्टम, गाइडेड मतलब आपने मूवीज में देखा होगा ना कि एक पर कोई प्लेन आगे में होता है, उसको एक बार टारगेट में लॉक्ड हो गया तो मिसाइल जहां प्लेन जाएगा वहां पे मिसाइल जाएगी, तो ऐसे मिसाइल्स को क्या कहते हैं हम लोग, गाइडेड वेपन सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, ये सभी इंडिया में कौन से वेपन सिस्टम है, गाइडेड वेपन। तो इनका जो बाहर का जो स्केलेटन है वो कहां बनेगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर तेलंगाना, हैदराबाद, और मिश्र धातु निगम लिमिटेड ऑल्सो तेलंगाना, हैदराबाद। मेटल्स एंड मेटल अलॉयज, मतलब धातु हो गया, जैसे टोटल कितने हो गए अब तक, अब जो चार है ये चार अलग अलग कोस्टल एरियाज में, एक बॉम्बे बेस्ड मैसगांव डॉक लिमिटेड, एक कलकत्ता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, एक गोवा में, और एक विशाखापट्टनम वाइजैक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। करंट अफेयर्स, आकाश अलग है और आकाश प्राइम अलग है, अग्नि मिसाइल अलग है और अग्नि प्राइम अलग है। प्राइम मतलब आजकल के नए वेरिएशन से, यहाँ पे देखिए अग्नि प्राइम इज अ न्यू वर्जन ऑफ आकाश, एंड आकाश मिसाइल इज प्रिपेयर्ड बाय हाल की BEL,
आकाश में इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड अनमैन्ड अनमैन्ड एरियल टारगेट्स, मतलब ड्रोन वगैरह को अगर या कोई चाइना का ड्रोन अगर एलएसी एरिया में घूम रहा है तो हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं वाया आकाश प्राइम मिसाइल। तो इसके ऊपर का जो स्केलेटन है वो भारत डायनामिक्स में बना। ये ट्रक दिख रहा है, ट्रक कहाँ बनता है? भारत और मूवर्स लिमिटेड। और इस ट्रक के अंदर में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे, वहां पे भी कुछ सेंसर्स रडार्स लगे होंगे, वो सब अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाते हैं। तो इसे टोटल कितने इंस्टीट्यूट्स इंडिया में? 9 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट, अमेरिका से लिए हुए प्लेन्स रोमियो। इंडियन नेवी इंडक्स डेडली रोमियो हेलीकॉप्टर्स। इनको डेडली इसलिए कहा क्योंकि ये पानी के अंदर में छुपी हुई सबमरीन को ढूंढते हैं, सबमरीन हंटर्स, नाम रोमियो। इसकी स्पीड देखिए 267 किलोमीटर पर आवर, रेंज सर्विस सेलिंग, सर्विस सेलिंग मतलब हाइट 3400 मीटर, वेट सी हॉक। आपको इतना नहीं पूछेंगे, वो लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अमेरिका से हमने कौन से प्लेन खरीदा है, रोमियो या फिर सबमरीन हंटर्स। ये सब कैटेगरीज आप कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर आप इंडिया यूएसए रिलेशन के बारे में लिखेंगे तो वहां पर डिफेंस के बारे में ब्लॉक आएगा, तो उसमें आप इनके नाम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोमियो के बाद अलग कैटेगरी का अपाचे। ये फोटो किसका है? अपाचे। वहां पे देखिए इंडिया यूएस डील्स 2008 तक, मतलब जब प्रॉपर यूपीए गवर्नमेंट स्टेबल होने की थी इंडिया में, तो तब तक इंडिया यूएस का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि 2008 के पहले की जितनी भी सरकार थी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो इंडिया में काफी निगेटिविटीज थी, उसी को फुलफिल करने के लिए लगे थे। 2008 के बाद लगातार 2 साल यूपीए गवर्नमेंट चली, और 2014 से लगातार 2 साल 2 टर्म बीजेपी गवर्नमेंट चली, मतलब स्टेबिलिटी मिली। तो 2008 के बाद और यूपीए के 2 टर्म के वक्त में और बीजेपी के 2 टर्म के वक्त में इंडिया में स्टेबिलिटी ठीक ठाक रही। लगातार 2 टर्म यूज किया उन लोगों ने, यूपीए ने, कांग्रेस ने, और 2 टर्म एनडीए ने। उससे फायदा क्या हुआ कि 20 साल इंडिया को स्टेबिलिटी मिली, 20 साल इंडिया को स्टेबिलिटी मिली, और इंडिया ने काफी कंट्री के साथ में अप्रोच बढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल रशिया के साथ में अप्रोच बढ़ाया, अमेरिका के साथ में अप्रोच बढ़ाया। इसलिए 2008 के बाद इंडिया का डिफेंस प्रिपेयरनेस काफी ज्यादा अच्छा रहा एज कम्पेयर टू बिफोर 2008। इसलिए और 2008 के बाद ही इंडिया यूएसए ने एक इम्पोर्टेंट डील्स पे भी साइन किए आफ्टर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि डिफेंस कॉपरेशन इज इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, चाहे वो रशिया के साथ में हो, यूएसए के साथ में हो, या इसराइल के साथ। हम सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, फर्स्ट नंबर पे रशिया, सेकंड नंबर पे इजराइल, और थर्ड पे अमेरिका। ठीक है, तो डिफेंस कॉपरेशन इज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऑफ इंडिया बायलेटरल रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल सिंस 2008 फ्रॉम नियर जीरो ट्रेड टू 20 बिलियन ट्रेड इन 2020, मतलब 2008 से 2020 में इंडिया और यूएसए काफी करीब आ गए। 2008 में इंडिया के उतने अच्छे टर्म्स नहीं थे अमेरिका के साथ, पर 2020 और 21 में इंडिया और अमेरिका के बीच में ज्यादा कॉपरेशन बढ़ा, जिसके चलते चाइना और रशिया पास मास में आ गए, क्योंकि इंडिया ज्यादा इंक्लाइंड किसके साथ हो गया? यूएसए के साथ। स्वाभाविक है रशिया चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में संबंध ज्यादा बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने कैट्सा का नाम सुना होगा, सी ए डबल टी एस ए। व्हाट इज मीन बाय कैट्सा? CAATSA, C for countering, AA for American advisory, अमेरिका की जितने advisories है उनको counter करना जरूरी है। अब TSA, through sanctions act, मतलब sanctions लगा के। तो what is mean by CATSA? C countering, AA American advisories, and TSA through sanctions act, मतलब ये अमेरिका का federal law है। तो 2017 में Trump चल, ठीक है, और 2017 यूएस फेडरल लॉ कैट्सा, इसके नेगेटिव इमेज ज्यादा बने ट्रंप के नेगेटिव इमेज में, वन ऑफ द रीजन था कैट्सा था, क्योंकि कैट्सा जो था यूएस का फेडरल लॉ था, और कैट्सा का फुल फॉर्म काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, मतलब वो सैंक्शंस लगा रहे। और कौन कौन से कंट्री पे सैंक्शन लगा है? इंडिया पे नहीं लगा अब तक, ईरान पे लगा है, ईरान पे सैंक्शंस लगा है ना अमेरिका ने, नॉर्थ कोरिया पे लगा है, ठीक है, और थर्ड नंबर का रशिया, थर्ड नंबर का रशिया। इंडिया पे सैंक्शंस लगाने की बात चल रही थी पर लगाई नहीं, अमेरिका कोई भी हालत में भारत पे सैंक्शंस नहीं लगा सकता।
और हम चाहते कि सैंक्शंस लगाए, इंडिया सैंक्शंस लगाएगा, अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा तो इंडिया चाइना की रिलेशनशिप बढ़ेगी, इसलिए वो सैंक्शंस तो लगाने से रहे। तो अमेरिका ने अब तक सैंक्शंस समझता है ना तीन कंट्रीज पे लगाए, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। इंडिया पे भी सैंक्शंस लगाने वाला, वो न्यूज चल रही थी ना, वो कौन से मिसाइल का नाम है, S-400 ट्रंप मिसाइल। और S-400 ट्रंप मिसाइल की खास बात क्या है कि एक साथ चार मिसाइल्स को हम लोग रोक सकते हैं, वो भी अलग अलग रेंज का, मतलब 40 से लेके जो 300 किलोमीटर के रेंज के मिसाइल्स को रोक सकते हैं। मतलब अमेरिका के पास में भी ऐसे रोकने के मिसाइल है, पर वो एक वक्त पे एक ही मिसाइल को रोक सकता है। और ये जो अमेरिका से रशिया से खरीदे S-400 आगे में है नोट्स में, वो एक साथ कितने मिसाइल को रोक सकता है, चार, इंटरसेप्ट कर सकता है। रोकना मतलब इंटरसेप्टर मिसाइल। इंडिया के पास हर तरह के मिसाइल से जितने वेरिएशंस वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो सिंस 2008 से सिंस 2020 इंडिया और यूएसए काफी पास में आए, ठीक है, जिसके चलते नैम काफी दूर चला गया। नेक्स्ट, इंडिया और अमेरिका ने कौन कौन से डील्स चॉक आउट किए। फर्स्ट C-70 ग्लोब मास्टर, नेक्स्ट C-130 ट्रांसपोर्ट। C-130 का नाम है हरकुलस, C-130 का नाम हरकुलस, और C-17 का ग्लोब मास्टर। ये हेवी प्लेन्स है ट्रांसपोर्ट के लिए, हम लोग मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स का पहला फायदा क्या होता है कि हम टाइम बींग को ध्यान में रखते हुए हमारे ट्रुप्स या फिर टैंक्स को LAC या LOC पे छोड़ सकते हैं। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, एंड LOC इंडिया पाकिस्तान। इसके अलावा अमेरिका से हमने सिर्फ हरकुलस और ग्लोब मास्टर ही नहीं खरीदे, थर्ड नंबर की कैटेगरी P-8 मैरीटाइम रिकॉन्सेंस एयरक्राफ्ट, मतलब समुद्र के तरफ में सर्वेलेंस जरूरी है। इंडिया के बाद जो कोस्ट लाइन इंडिया के 7517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और साथ में हम देखते हैं कि कोस्ट लाइन को लग के 200 नॉटिकल माइल्स का क्षेत्र भी इंडियन गवर्नमेंट का, तो हमारे पास में पूरे 200 नॉटिकल माइल्स में घूमने के लिए प्लेन चाहिए, जो कौन से शिप्स आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं, कौन से सबमरीन आ रही नहीं आ रही, उसको मॉनिटरिंग सर्वेलेंस करने के लिए प्लेन्स चाहिए, ठीक है। ये हरकुलस और ट्रांसपोर्ट का काम अलग है, हरकुलस और ग्लोब मास्टर का काम अलग है, वो ट्रुप्स और टैंक्स को ले जाने के लिए यूज कर सकते हैं, पर पानी के एरिया में सर्वेलेंस का एयरक्राफ्ट चाहिए, ठीक है। और अगर वक्त पड़े तो कोई प्लेन में कोई इश्यू आ रहा है तो वहां पे भी ट्रुप्स उतारने के लिए प्लेन चाहिए, तो ऐसे वक्त में हमको समुद्र के लिए जो यूज करते हैं हम लोग वो है P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, ये भी अमेरिका से खरीदा है, फोटोज है आगे। इसके अलावा हमारे पास में एक हॉविट्जर आर्टिलरी गन है, ये भी कहां से लिए हम लोगों ने, अमेरिका से। राजीव गांधी एंड बोफोर्स स्कैंडल जानते हैं आप लोग, तो बोफोर्स स्कैंडल जानते हैं ना, बोफोर्स, बोफोर एक तरह के रणगाड़ी, ये थे क्या बोलते हैं उसको, टैंक नहीं, क्या बोलते हैं, आर्टिलरी गन, तोप होता है ना, वो कारगिल मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने कि जब हमारे जवान पहाड़ी पे चढ़ते रहते तो पीछे से आर्टिलरी फोकस की जाती है, छोटे छोटे वो तोप होते हैं ना, जैसे पुराने तो अभी के जो तोप होते हैं उसको हम लोग ये आर्टिलरी गन्स कहते हैं। तो इसे इंडिया में पहले जो थे यूपी गवर्नमेंट के तरफ में या उससे पुराने, वो थे बोफर्स। अब बोफर्स का अपडेट वर्जन कौन से, हॉविट्जर आर्टिलरी गन्स लाइट वेट, ये भी अमेरिका से लिया। इसके अलावा हार्पन मिसाइल्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स एंड चिनुक हेलीकॉप्टर्स, ये दोनों हेलीकॉप्टर्स भी हमने कहां से लिया, यूएस से। फर्क इतना है कि चिनुक अलग है और अपाचे का काम अलग है। ये नाइट सॉर्टिस के लिए बेस्ट, मतलब नाइट विजन अच्छा है, मतलब रात को भी उड़ सकता है विद आर्म्स और एम्युनेशंस ले जाके, ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर। और दूसरा ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग चिनुक, इसका फोटो देखो चिनुक, ये क्या है चिनुक, ठीक है, दिख रहा है, ये भी अमेरिकन ब्रांड। ये ट्रांसपोर्ट के लिए इसको भी यूज कर सकते, ट्रुप्स के लिए, या फिर ट्रुप्स को मोबिलाइज करना हो, या टैंक्स को मोबिलाइज करना हो, या डिजास्टर रिलीफ के लिए भी इसको मे बी यूज कर सकते हैं चिनुक। और ये अपाचे दिख रहा है, ठीक है, सी है, हंटर्स अलग है, सबमरीन हंटर्स अलग है, रोमियो अलग है, और ये अलग है। रोमियो की खास बात क्या है कि रोमियो सी वर्जन और अपाचे लैंड वर्जन, ठीक है। बोइंग कौन सी कंपनी बना रही, अपाचे और चिनुक, बोइंग। और बोइंग जो कंपनी है अमेरिका की, इन लोगों से हम लोगों ने अपाचे भी खरीदा और चिनुक। और दोनों की खास बात कि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ खरीदती ही नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के आधार पर हम ये इंडिया में बना रहे हैं। मतलब इंडिया में बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों प्लेन्स इंडिया में बना रहे हैं, हाल HAL। तो बोइंग सेड दैट इंडिया डिलीवर्ड
और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स एंड 15 चिनुक, मतलब अमेरिका से 22 अपाचे और 15 चिनुक हेलीकॉप्टर जो खरीदे हैं वो इंडिया को कम्प्लीटली डिलीवर्ड हो चुके हैं। ज्यादातर ये जो फाइटर प्लेन्स है लैंड वर्जन है, और कब यूज करते हैं इसको, नाइट सॉर्टीज, चाहे वो एलएसी का एरिया हो या एलओसी का एरिया। इसके अलावा इसके आगे में देखो ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, ये दिख रहे दो, ये से घूमते रहते 360 डिग्री पे, ये जो बड़े बड़े गोल दिख रहे हैं ना ये दो, ये क्या है, रडार, ये आर्टिलरी गन्स दिख रही है गोल गोल, और ये रडार्स होते हैं, और ये रडार होते हैं पूरे इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब इंडिया में नाइट सॉर्टीज के नाइट विजन भी होता है इसके अंदर, ठीक है। अपाचे, ये चिनुक, द बोइंग CH-47 चिनुक, अमेरिकन ट्विन इंजन, ये देखिए फर्स्ट इंजन और दूसरा इंजन, ट्विन इंजन, इसको ज्यादातर यूज किसके लिए करते हैं, एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर फॉर कैरिंग ट्रुप्स हो, आर्टिलरी गन्स हो, मतलब होविट्ज़र भी इसके अंदर में आ सकते हैं, प्लस अदर इक्विपमेंट्स। बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, दिल्ली के पास में एक हिंडन एयरबेस है, हिंडन नाम की नदी भी है जो यमुना की ब्रांच, हिंडन इज रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, एंड यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो हिंडन इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, वेयर एज यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो हिंडन एयरबेस दिल्ली के पास है, और ये हिंडन एयरबेस का फोटो है, और हिंडन एयरबेस के पास कौन से प्लेन खड़े हैं, ग्लोब मास्टर, यह भी इसलिए खड़े क्योंकि चारों दिशा में अगर वक्त पड़े तो इसका उपयोग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये भी बोइंग कंपनी से, अमेरिकन ब्रांड, स्काईलॉट्स, इसका छोटा वर्जन, ये बहुत विशाल प्लेन होता है, अब विशाल प्लेन रहेगा तो इसके लिए रनवे भी विशाल चाहिए, मतलब बड़ा प्लेन रहेगा तो लंबा रनवे लेगा, इसका मतलब अगर हम मुझे भुज पे उतारना है, भुज अर्थ, भुज जानते हैं ना, गुजरात, गुजरात का एरिया छोटा हुआ, भुज एरिया भी छोटा हुआ, वहां पर कल जाके लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान, गुजरात के, गुजरात और पाकिस्तान के एरिया में, तो वहां पे भुज में छोटा एयरवे, तो इतने हेवी प्लेन्स को नहीं उतार सकते, ऐसे वक्त में इंडिया में स्मॉल, जैसा शिलोंग में अगर प्रॉब्लम होता है, मणिपुर में प्रॉब्लम होता है, तो इंडिया को स्मॉल ऑपरेशन के प्लेन चाहिए, हर जगह पर हम लोग ग्लोब मास्टर को खड़े नहीं कर सकते। तो छोटा वर्जन कौन सा है, हरकुलस, छोटा वर्जन हरकुलस, 1/4 साइज ऑफ ग्लोब मास्टर, मतलब ग्लोब मास्टर से कितना छोटा है, 1/4 साइज, मतलब स्मॉल रनवे और उसको ग्लोब मास्टर को बड़ा रनवे। ग्लोब मास्टर कहाँ पे फायदेमंद रहेगा, जहां पर लॉन्ग रनवे है और ज्यादा ट्रूप्स को मोबिलाइज करना। नेक्स्ट, इंडिया का थर्ड कैटेगरी का प्लेन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेकिन पानी के एरिया, नाम पोसिडन, P-8 या फिर पोसिडन, ये भी बोइंग से लिया है अमेरिका से, ठीक है। ये देखो ज्यादातर कितने रेंज है इसका, 1200 नॉटिकल माइल्स, इंडिया का तो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया, पर ये कितने दूर तक जा सकता है, 1200, मतलब पानी के एरियाज में इंडिया को, इंडिया के नेवी को स्ट्रेटेजिक हेल्प दे रहा है, चाहे ह्यूमैनिटेरियन मिशंस हो या फिर इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। इतना आप लोग पढ़ लेंगे ना, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर मैंने सब इसलिए एक साथ दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस में हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस में हो सकता है, इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन उसमें आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो कौन सा प्लेन है ये, पोसिडन 81, तो अमेरिका से हमने कौन कौन सा खरीदा, फर्स्ट ग्लोब मास्टर, उसका छोटा वर्जन हरकुलस, T-81 मैरीटाइम पेट्रोल सर्विलियंस प्लेन, नेक्स्ट हॉविट्जर गन्स, अपाचे एंड चिनो। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस कॉपरेशन के नाम पर अमेरिका के साथ में ज्यादा लिंक्ड हुआ है, और इंडिया अमेरिका ने चार इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इंडिया और अमेरिका ने चार फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को एनहांस करने के लिए। तो इंडिया के डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस को एनहांस करने के लिए हम लोगों ने चार एग्रीमेंट्स किए, सबसे पहला GSOMI, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, कब साइन हुआ, 2002 में, सेकेंड लिमो 2016, थर्ड कॉमकासा 2018, और लेटेस्ट में 2020 में BECA, एक एक नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, फुल फॉर्म और साइन, साइन नहीं भी ध्यान रखिए तो कम से कम फुल फॉर्म ध्यान। उसके बाद इनका ऑब्जेक्टिव देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है,
इंडिया और अमेरिका ज्यादा पास में आने की वजह से ये चार एग्रीमेंट हम लोगों को और पेंटागन की तरफ करीब लेके गया। पेंटागन जानते हैं ना, पेंटागन से हम लोग सॉफ्टवेयर के इक्विपमेंट्स हो या हार्डवेयर के इक्विपमेंट ज्यादा खरीद सकते हैं। और पेंटागन में अंदर जाने के लिए हमको चार एग्रीमेंट्स, मिनिमम चार एग्रीमेंट्स पे हस्ताक्षर करना जरूरी था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने चार एग्रीमेंट के साथ में लिंक करते हुए इंडिया यूएस को और रिलेशनशिप को और एनहांस किया। तो ये चार एग्रीमेंट्स के नाम है। पहले एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस देख लें, अलाउ मिलिट्री टू शेयर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को शेयर नहीं होगी, मतलब अमेरिका की जो कोर इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इंडिया के मिलिट्री के साथ शेयर होगी, और इंडिया की जो मिलिट्री की कोर इन्फॉर्मेशन रहेगी अफगानिस्तान इशू से रिलेटेड वो किस साथ शेयर होगी, यूएसए के साथ। तो दोनों के बीच में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर का देखिए बीईसीए। मिलिट्री में मैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप चाहे वो पानी के हो या फिर लैंड के। इसके अलावा एरोनॉटिकल चार्ट्स, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। ये सब इंफॉर्मेशन मतलब मैपिंग डेटा के लिए हम लोगों ने कौन सा एग्रीमेंट साइन किए, बीईसीए। वहां पे देखिए इंडिया एंड यूएस मिलिटराइज टू शेयर जियो स्पेशल। स्पेशल मतलब लोकेशन और जियो मतलब ज्योग्राफी। जियो स्पेशल एंड सैटेलाइट डाटा, जैसा पोखरण में हुआ था वो मूवीज में देखा ना सैटेलाइट डाटा, तो सैटेलाइट डाटा है टोपोग्राफिकल मैप्स के लिए बीईसीए। दोनों में क्लास बात क्या है कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, अनक्लासिफाइड है, मतलब अमेरिका वाले उतने इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे मैप्स के जो उनके काम के, अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड क्लासिफाइड। मिलिट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो क्लासिफाइड रहेगा और मैप्स के बीच में अनक्लासिफाइड, लेकिन हमारे काम के मैप्स मिल जाएंगे इसलिए हम लोगों ने साइन किया बीसी। इसके अलावा एक होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज, वक्त आने पर वो लोग विशाखापट्टनम को यूज कर सकते हैं। मतलब कल जाके अगर इंडिया और यूएस और वियतनाम की लड़ाई होती है तो यूएस अलग है वियतनाम अलग हुआ, तो इंडिया में वियतनाम विशाखापट्टनम को भी यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग भी उनके एरियाज को यूज कर सकते हैं। ऐसा कौन सा एग्रीमेंट में लिखा है, लीमा। ध्यान रखिए इस एग्रीमेंट का हिडन मीनिंग ये भी होता है कि हम लोग सिर्फ यूज कर सकते हैं, कंप्लीट एरिया ऑपरेशन उनको लोग नहीं दे सकते। और लास्ट कौन सा इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन। चाइनीज सबमरीन विशाखापट्टनम के पास से गुजरी, ये 24 घंटे के बाद पता चलेगा तो लेट हो जाएगा, हमको तभी के तभी रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए। और इंडिया में उतने अच्छे सैटेलाइट्स नहीं है जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके एज कम्पेयर टू यूएसए। तो यूएसए से हम लोगों ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया कि हमको रियल टाइम इंफॉर्मेशन डेटा मिलेगा किसके थ्रू, कॉमकास्ट का। रियल टाइम इंफॉर्मेशन डेटा के साथ साथ में न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हो या फिर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, मतलब सिर्फ दोनों के बीच में। आजकल आपने देखा ना कम्युनिकेशन भी ब्रीच होती है, तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए भी कौन सा एग्रीमेंट हुआ, कॉमकास्ट का, COS MOA। तो चार एग्रीमेंट इनके बारे में दिया, फोर एग्रीमेंट्स। द अमेरिका यूजुअली लिमिट्स कॉमकास्ट का, GSO MIA, LIMIA और BECA। कौन सा, कैट्सा फेडरल लॉ है, एग्रीमेंट नहीं है। कैट्सा इज अ अमेरिकन फेडरल लॉ, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको प्रारंभ किया है और वो ट्रंप का बनाया हुआ एक लॉ है, कैट्सा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। और कौन से कंट्री पे सैंक्शंस लगे, ईरान, नॉर्थ कोरिया प्लस रशिया। तो कैट्सा चार एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, वो लॉ है और एग्रीमेंट है जी। एक एग्रीमेंट जियो स्पेशल डाटा के लिए, मतलब अमेरिका से टोपोग्राफिकल मैप हो, एरोनॉटिकल चार्ट हो, ये तुरंत शेयर होंगे वाया कौन सा एग्रीमेंट, बीईसीए, ठीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बिटवीन मिलिट्रीज, GSO MIA। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन या फिर सबमरीन वहां से गुजरी, ये सब इंफॉर्मेशन कौन देंगे हमको, कॉमकास्ट। और लॉजिस्टिक हमारा वो यूज कर सकते, हम उनका यूज कर सकते, वो कौन सा होगा, लेमा 2016। ये जितने भी चार एग्रीमेंट्स हुए इंडिया के बीच में, ये जितने भी चार एग्रीमेंट्स हुए वो डिप्लोमेटिक लेवल पर ही, और उस डिप्लोमेटिक लेवल को हाई लेवल विजिट्स को हम लोग कहते हैं 2+2 डिप्लोमेसी। मतलब 2+2 डिप्लोमेसी का मेन रोल क्या था, ये एक ट्रैक वन डिप्लोमेसी। ट्रैक वन डिप्लोमेसी ऐसी डिप्लोमेसी होती है जो दो गवर्नमेंट्स के बीच में, अगर कोई डिप्लोमेसी एनजीओ और एनजीओ के बीच में हो रही है तो वो ट्रैक टू हो गई, और ट्रैक वन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एनजीओ टू एनजीओ, ट्रैक टू डिप्लोमेसी।
तो ट्रैक वन डिप्लोमेसी का बेस्ट एग्जांपल है 2+2 डिप्लोमेसी। इसमें क्या होता है कि टाइम कम लगता है, एक साथ दो मंत्री विजिट करेंगे, हमारे भी और उनके भी, और दो मंत्री कौन से रहेंगे, मिनिस्टर्स, एक रहेगा स्ट्रेटेजिक मिनिस्टर और दूसरा रहेगा सिक्योरिटी मिनिस्टर। इंडिया का सिक्योरिटी मिनिस्टर कौन है? सिक्योरिटी मतलब कौन सा हो गया, होम मिनिस्टर, सिक्योरिटी सॉरी डिफेंस मिनिस्टर, सिक्योरिटी मतलब डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मतलब एक्सटर्नल, स्ट्रेटेजिक मतलब एक्सटर्नल। तो यहाँ पे देखो 2+2 डायलॉग, 2+2 इज अ मिनिस्ट्रियल लेवल, हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बिटवीन टू कंट्रीज। अब दो कंट्रीज के बीच में कौन से एरिया रहेंगे, पहला स्ट्रेटेजिक मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स और दूसरा सिक्योरिटी मतलब डिफेंस मिनिस्टर। तो एक फॉरेन मिनिस्टर हो गया और एक डिफेंस, मतलब हमारे दो मिनिस्टर और उनके दो मिनिस्टर। 2+2 डिप्लोमेसी एक्चुअली चालू हुआ था जापान और यूएसए के बीच। अब तक 2 डिप्लोमेसी इंडिया ने कौन कौन से कंट्री साथ में शेयर किया, 2+2 डिप्लोमेसी इंडिया यूएस, इंडिया जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया रशिया, कितने लोग हो गए, 4। ठीक है, तो 2+2 डिप्लोमेसी क्यों की जाती है, पहली तो है ट्रैक वन डिप्लोमेसी, ये एक हाई लेवल मैकेनिज्म है बायलेटरल रिलेशंस को इंप्रूव करने का, और इसमें कौन से दो अफेयर्स पे फोकस किया जाता है, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक। सिक्योरिटी के लिए डिफेंस मिनिस्टर और स्ट्रेटेजिक के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब फॉरेन मिनिस्टर। इसके अलावा 2+2 डिप्लोमेसी का रोल कॉल जो है इंडिया ने 4 कंट्री साथ में शेयर किया है। अभी हाल ही में पिछले महीने में इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डिप्लोमेसी हुआ, इंडिया यूएसए, इंडिया रशिया और इंडिया जापान। तो डिफेंस कॉपरेशन के नाम पर और भी कुछ एग्रीमेंट्स है जिनको हम कहते हैं MECR, MECR। ठीक है, 4 एग्रीमेंट अमेरिका के अलग है और ये एग्रीमेंट्स अलग है, सबका रोल अलग अलग है। ये भी आपको हो चुका है नाम इसका, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम, मतलब दुनिया के 4 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीजों का एक्सपोर्ट कंट्रोल करना है। कॉमन वाला न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, दुनिया में न्यूक्लियर एक्सपोर्ट को कम करने के लिए कौन सा, एनएसजी, और एनएसजी की स्थापना उसी दिन हुई थी जब इंडिया में पोखरण वन हुआ था मई 1974। एनएसजी 48 कंट्रीज का एक समूह है, इसमें इंडिया मेंबर नहीं। नेक्स्ट, दुनिया में जो पुराने आर्म्स है जैसे कि ब्रह्मोस, ये कहां से लिया हम लोगों ने, रशिया से लिया। इसका नाम सुना होगा आपने AK-47 राइफल्स, ये भी कहां के, रशिया। ठीक है, इनका डबल यूज नहीं होना चाहिए, ड्यूल यूज गुड्स, उनके लिए एग्रीमेंट का नाम, डिटेल दिया है मैंने नोट्स में, एग्रीमेंट का नाम वेसेनर अरेंजमेंट। वेसेनर नाम का जो शहर है वो नीदरलैंड्स में, और वेसेनर अरेंजमेंट कब हुआ था साइन, 1996 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूल यूज गुड्स टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर को रोकने के लिए एनएसजी, पुराने कन्वेंशनल आर्म्स को रोकने के लिए वेसेनर एग्रीमेंट। एबीसी, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, बी फॉर बायोलॉजी एंड सी फॉर केमिकल। एबीसी ग्रुप किसके लिए हुआ फिर, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप फॉर बायोलॉजिकल एंड केमिकल्स। ये कब हुआ था, इराक में सद्दाम हुसैन, नाम जानते हैं आप लोग, इराक में एक बंदा था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन, उस समय वो केमिकल वेपन्स बना रहा था, और फ्यूचर में केमिकल वेपन्स का दुष्परिणाम ना होना चाहिए इसलिए उसको रोकने के लिए एक कायदा होना चाहिए था। तो केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए उस समय एक्ट बना था, उस एक्ट का नाम था 1995 ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, और केमिकल वेपन सद्दाम हुसैन ने बनाया था 1984 में। इसलिए केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के वेपन्स को रोकने के लिए एक ग्रुप बना, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985। और इंदिरा गांधी ने जब पोखरण वन किया था स्माइलिंग बुद्धा, उसको उसके रोकने के लिए शाम को एग्रीमेंट कौन सा हुआ, एनएसजी। दुनिया में इतने सारे रॉकेट्स हम लोग भी पढ़ने वाले, अग्नि का नाम सुना होगा आपने, पृथ्वी, इन सब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं, लॉन्ग रेंज मतलब कितना भी हो सकता है, तो इनकी भी क्षमता रोकना जरूरी है, कोई भी कंट्री कितना भी लॉन्ग रेंज का बना सकता है, तो उनको रोकने के लिए एग्रीमेंट है MTCR। इंडिया पहले इसका पार्ट नहीं था, इसलिए इंडिया में जितने भी ब्रह्मोस मिसाइल हुआ करते थे वो 290 किलोमीटर तक ही थे, और जब इंडिया इसका पार्ट बना MTCR का, तो अब ब्रह्मोस मिसाइल 600 के पार जा रहा है, मतलब 600 किलोमीटर की दूर जा सकता है। ऐसा क्यों, ये एग्रीमेंट कहता है कि दुनिया के जितने भी रॉकेट्स रहेंगे ये 300 किलोमीटर के रेंज तक ही रहेंगे। ठीक है, और जो कंट्रीज MTCR साइन करती है वो अपने रॉकेट्स को 300 किलोमीटर के आगे भी दौड़ा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया जब MTCR का मेंबर नहीं था तो हमने जब ब्रह्मोस बनाया था तो वो सिर्फ कितने किलोमीटर तक था, 290, क्योंकि लिमिट कितने किलोमीटर की थी, 300 किलोमीटर की। और जब MTCR का इंडिया पार्टनर बना विद हेल्प ऑफ अमेरिका, तो अभी हम लोग मोर देन कितना भेज रहे हैं, 300 किलोमीटर। तो MTCR रॉकेट्स के लिए रेजिम हुई, न्यूक्लियर के लिए NSG, ABC फॉर केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए ABC, और कन्वेंशनल आर्म्स एंड उनका ड्यूल यूज ऐसा। तो दुनिया के चार सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स चार अलग अलग एरिया के, इन चार समूह को कहते हैं MECR, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजन। वर्ल्ड के ऐसे 30 कंट्रीज है जो चारों के ग्रुप के मेंबर्स हैं, एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और USA के। कुछ कंट्रीज हैं जो चारों ग्रुप में नहीं आते, उनमें से नाम देखे, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ AG, MTSR एंड WA, मतलब इंडिया किसका मेंबर नहीं है, NSG का। फिर भी इंडिया ने 14 कंट्री के साथ में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, बट चाइना इज ओनली मेंबर ऑफ NSG, मतलब चाइना इसके मेंबर नहीं है, ठीक है। एंड रशिया इज अ मेंबर ऑफ MTCR, NSG एंड WA, मतलब रशिया इज अ मेंबर, नॉट मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ज्यादा बेनिफिशियल इंडिया के लिए हुआ, और इंडिया के लिए इसलिए बेनिफिशियल हुआ क्योंकि इंडिया लिंक्ड विद USA। कौन कौन से एक्सरसाइजेस के नाम है जो इंडियन गवर्नमेंट USA के साथ में करती है? मालाबार एक्सरसाइज, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कि मल्टी। दूसरा एक्सरसाइज का नाम रेड फ्लैग, और कल मैंने नाम बताया था ना, और उसमें से एक ध्यान रखिएगा, टाइगर ट्रम्प मैंने कल नहीं बताया था, मैंने आज ऐड किया उसको। यहाँ पे ऐड किया टाइगर ट्रम्प। बायलेटरल एक्सरसाइज इज ए इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। एक रेड फ्लैग हो गया, एक टाइगर ट्रम्प हो गया, वज्र प्रहार, नेक्स्ट अभी रशियन ब्रांड देखते हैं, अमेरिका के हो गया, रशिया के देखे। इट इज लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वाइड रेंजिंग कॉपरेशन विद रशिया। डिफेंस सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग कहां से करते हैं, रशिया से करते हैं, ठीक है। रशिया से हम लोगों ने क्या क्या बनाया, सबसे फर्स्ट Sukhoi 30, ठीक है, Sukhoi एयरक्राफ्ट। उसके बाद में अर्जुन टैंक, टैंकर जानते हैं ना आप लोग, उसमें से एक अर्जुन टैंक का नाम है T-90 टैंक्स, ये भी हम लोगों ने उनसे लिया। इसके अलावा कमाऊ हेलीकॉप्टर्स, KA दिख रहा है, ट्विन इंजिन, 226 ट्विन इंजिन कमाऊ हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट ब्रह्मोस मिसाइल्स, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी इंडिया और रशिया का बेस्ट एग्जांपल है, और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो जॉइंट वेंचर के थ्रू बनता है, ठीक है, 50% 50.5% इंडिया एंड 49.5% रशिया। इसके अलावा ये जो कमाऊ हेलीकॉप्टर्स है इसमें पैटर्न चेंज किया हमने, कमाऊ हेलीकॉप्टर्स में जॉइंट वेंचर में देखिए 60 प्लेन्स रशिया में बनने वाले और बाकी मेक इन इंडिया के तहत 140 इंडिया में। इन सब फैक्ट्स का एक ही मतलब है कि इंडिया मेक इन इंडिया पे ज्यादा फोकस कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ज्यादा फोकस कर रहा है। इसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, इंदिरा, एवी इंदिरा और इंदिरा नेवी, मतलब तीन डोमेन के अलग अलग, नेवी का डोमेन इंदिरा नेवी, एयरफोर्स का एवी इंदिरा और आर्मी का इंदिरा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स इंडिया रशिया के बीच में हुए थे जहां से हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस मिसाइल लिया, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम मतलब Sukhoi, नेक्स्ट इल्यूजन 76 प्लेन देखा था आपने, उसके बाद KA-226 ट्विन इंजिन, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स कमाऊ हेलीकॉप्टर्स, सम फ्रिगेट्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, T-90 टैंक्स मतलब भीष्म अर्जुन टैंक्स, फिर अकुला न्यूक्लियर सबमरीन। अभी हम लोगों ने खुद का बनाया ना, अरियंत खुद का है, लेकिन अरियंत बनाने के पहले जो हमारे पास में था उसका नाम INS चक्र या फिर अकुला टू, अकुला ही रशियन नाम,
उसका फिर हम लोगों ने अपना नाम दिया आईएनएस चक्र। उसके अलावा रशिया से और एक सबमरीन खरीदे डीजल वाली, नाम सिंधु घोष। एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम आईएनएस। आप लोगों को बोर हो रहा है क्या? बोर हो रहा है क्या? हाँ। नेक्स्ट, मी प्लेन कहाँ के? रशिया। मी 7, मी 19, मी 17, 18, 19 सब। नेक्स्ट, क्रूज के एग्जांपल्स, मिसाइल्स देखेंगे अभी। क्रूज टाइप्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल टाइप देखेंगे। क्रूज मतलब स्पीड देखें, हाइपरसोनिक, सबसोनिक एंड सुपरसोनिक। साउंड के बेस से कम क्या हो गया? सबसोनिक। साउंड से कम, कितना साउंड से कम है? मैक 0.8, मतलब 1 मैक इज इक्वल टू साउंड बेस हुआ। 1 मैक मतलब साउंड बेस, 1 मैक से कम है मतलब सबसोनिक, 1 मैक से ज्यादा मैक 2 एंड मैक 3 सुपरसोनिक, और मैक 5 मतलब हाइपरसोनिक। ठीक है, ये मिसाइल्स के तीन टाइप हो गए। उसके बाद नेक्स्ट मिसाइल का नाम है बैलिस्टिक। इसमें रेंज देखिए, शॉर्ट रेंज, रेंज मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट और बाद में इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब यहां से हम लोग इवन ऑस्ट्रेलिया तक लेके जा सकते हैं, केनिया तक लेके जा सकते हैं, मतलब आईसीबीएम हो गए। तो बैलिस्टिक मिसाइल के चार रेंज है, शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की खास बात देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस, थोड़ी देर में देखते हैं दोनों का डिफरेंस आगे में दिया है। क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक, इतना ध्यान रखिए, क्रूज मिसाइल मतलब इन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से आउटर स्पेस में जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ज्यादा बड़ा पैराबोला किसका रहेगा? बैलिस्टिक का, और कम पैराबोला क्रूज का। कौन से इसमें ग्रेविटी इफेक्ट होगी? ग्रेविटी कौन से इफेक्ट में बैलिस्टिक में वीक होगी कि ज्यादा होगी? वीक होगी। सुपरसोनिक जो ये जो क्रूज मिसाइल है, छोटा पैराबोला है ना, मतलब विद इन द एटमॉस्फेयर क्रूज, तो ग्रेविटी किसको ज्यादा इफेक्ट करेगी? क्रूज को। ठीक है, और बैलिस्टिक में ऐसा ऊपर जाएगा तो थोड़ा वीक ग्रेविटेशन का बड़ा पैरा। कौन कौन से इंडिया में क्रूज मिसाइल है? इंडिया में क्रूज मिसाइल के नाम बताइए। अग्नि इज नॉट क्रूज मिसाइल, इट इज बैलिस्टिक। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाम लर्न करा दूंगा आप। अग्नि, पृथ्वी, फिलहाल ध्यान रखिए, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये सब क्या है? बैलिस्टिक है। लेकिन निर्भय नाम सुना है? निर्भय मिसाइल, निर्भय, ब्रह्मोस, ये सब क्या है? क्रूज मिसाइल। ये कौन सा मिसाइल है? ब्रह्मोस। दोनों का वेरिएशन देखिए अलग है। ठीक है, ज्यादा अपडेट वन ये है, ये देखिए कितना बल्कि दिख रहा है, इसका बल्कनेस कम हो गया और ज्यादा ऑपरेशन उसकी है। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक, सुपरसोनिक मतलब साउंड के स्पीड से ज्यादा की कम ज्यादा हुआ। ये कहां से लिया हम लोगों ने? रशिया। ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को रिवर दो के नाम से ना आया, BRH ब्रह्मपुत्र और मॉस मॉस्को रिवर। मॉस्को रिवर मतलब MOSCOW मॉस्को नहीं है, मॉस्को रिवर का नाम है यहाँ पे MOSKV है। मॉस्को का अल्फाबेट क्या है? मॉस्को, MOSCOW, तो मॉस्को सिटी हो गई। मॉस्को सिटी में एक छोटी रिवर फ्लो होती है, उसका नाम है मॉस्को, MOSKV, तो वहां से नाम है MOSKVA प्लस ब्रह्मपुत्र। इन दोनों ने जॉइंट वेंचर से नाम क्या गिरा? ब्रह्मोस, ये यहाँ पे लिखा है मैंने मॉस्को, तो ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंट वेंचर इंडिया एंड रशिया। तो ये क्रूज मिसाइल हुआ, इसलिए यहाँ पे नाम लिखा है मैंने क्रूज। और दूसरी कौन सी मिसाइल होती है? बैलिस्टिक। ये डिफरेंस दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल इज अ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। लॉन्ग रेंज क्योंकि बड़ा पैराबोला है इसका, ऐसा ऊपर में मतलब एटमॉस्फेयर से स्पेस, स्पेस से वापस री एंटर टू एटमॉस्फेयर। कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल एग्जांपल देखिए, फर्स्ट पृथ्वी, नेक्स्ट अग्नि, थर्ड नेवी वेरिएंट धनुष, धनुष ये जो है नेवी का वेरिएंट, अग्नि, पृथ्वी, धनुष। तो विद इन एटमॉस्फेयर क्रूज, क्रूज मिसाइल, आउटर एटमॉस्फेयर बैलिस्टिक, बड़ा पैराबोला बैलिस्टिक। इंडिया में दो बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एंड पृथ्वी, और अगर आप जान सकते हैं तो आकाश, त्रिशूल, नाग, शौर्य, के मिसाइल, ये सब कौन से हैं? पृथ्वी। ठीक है,
और क्रूज के सिर्फ दो नाम देखे, ध्यान रखिए, कम से कम एक है अपना ब्रह्मोस, हर जगह ब्रह्मोस तो नहीं मार सकते ना, छोटा वेरिएशन भी चाहिए, तो छोटा वेरिएशन हम लोगों ने निर्भय बनाया, निर्भय एंड ब्रह्मोस, बड़ा कौन हुआ ब्रह्मोस, छोटा वेरिएशन निर्भय। अग्नि और पृथ्वी, अग्नि और पृथ्वी में छोटा पृथ्वी है तो उसका बड़ा प्रोटोटाइप अग्नि, मतलब शॉर्ट रेंज में अगर मिसाइल फेंकना है तो पृथ्वी से बेस्ट, और लॉन्ग रेंज में मतलब 5,000-10,000 किलोमीटर डालना है तो अग्नि। तो निर्भय एंड ब्रह्मोस किसके एग्जांपल है, क्रूज के, एंड पृथ्वी एंड अग्नि बैलिस्टिक। पृथ्वी अग्नि क्यों कह रहे हैं, छोटा वेरिएशन पृथ्वी, बड़ा वेरिएशन अग्नि, निर्भय छोटा और ब्रह्मोस ब्रह्मोस बड़ा, दोनों में फर्क है कि एक क्रूज है और एक है बैलिस्टिक। इसका एग्जांपल है रशियन ब्रांड इल्यूशन 76 देखा था हमने गजराज, उसके बाद ये कौन सा मिसाइल है, देखिए चार है इसमें, 1, 2, 3, 4 S-400 ट्रंप मिसाइल सिस्टम, ये कहां से लिया हम लोगों ने, रशिया। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर का नाम कमाओ, पीछे का एरिया कट गया इसका, कमाओ हेलीकॉप्टर्स। उसके बाद ये सुकोई, पीछे में देखो ना दो विंग दिख रहे सुकोई। उसके बाद ये अर्जुन टैंक T-90 भीष्म, ठीक है, इसका कलर देखिए, ये हमने राजस्थान के पास खड़ा किया, राजस्थान के, तो ये सब कहाँ रशियन ब्रांड है, तो रशिया से क्या क्या लिया हम लोग, इल्यूशन 76, ये सुकोई, ये कमाओ हेलीकॉप्टर्स, S-400 ट्रंप मिसाइल सिस्टम, और S-400 ट्रंप मिसाइल सिस्टम खड़ी है दिल्ली के पास, मतलब कल जाके अगर पाकिस्तान ने दिल्ली पे हमला कर लिया तो दिल्ली को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल चाहिए कि नहीं, अचानक से अचानक हमला हुआ तो ऐसा हमारे पास में बॉम्ब चाहिए कि ऊपर के ऊपर में खराब कर दे उसको, तो वो कौन सा है S-400, और S-400 चुप के रखा है हम लोगों ने, आप लोगों ने इसका नाम एडवर्ड लुटेंस का एरिया देखा ना अपना, राष्ट्रपति भवन का एरिया, वो पूरा जो कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स सब एक ही जगह पे हमने बनाया ताकि हम लोग हमारी इंटीग्रिटी भी बनी रहे और प्रॉपरली हम तो ध्यान रख सकते। बराक मिसाइल जो इसराइल से लिया है ना हम लोगों ने, बराक मिसाइल, फिर अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 मिसाइल, ये सभी चार पांच मिसाइल का जो सेट रखा है दिल्ली के आसपास रखा है, कल जाके कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास में तुरंत रोकने का मैकेनिज्म, परमाणु बम तो नहीं रख सकते ना वहां पर, इसलिए बराक मिसाइल ऑफ इजराइल, S-400 फ्रॉम रशिया, ठीक है, ये सब मिसाइल से वहां पे आसपास रखे, दिखते नहीं है। गजराज किसके लिए, रिफ्यूलिंग, हाँ उसके लिए भी यूज होता है। ये कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है, विक्रमादित्य, और कौन सी फ्लीट है यहाँ पर रहती है, MiG-29। फ्रांस ब्रांडेड डेसॉल्ट, ये बेस्ट प्लेन है। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया ज्यादातर रशियन प्लेन्स और अमेरिकन प्लेन्स को ही फोकस करती है, लेकिन ये बेस्ट प्लेन है। इसी का बड़ा प्रोटोटाइप अभी हमने रफाल खरीदा है ऐसा, ठीक है, अभी हाल ही में पिछले महीने में भारत सरकार ने दो ट्रेनिंग के लिए प्लेन्स लिए, कौन से, मिराज, वरना ये प्लेन्स इंडिया को काफी हेल्प किया। फॉर एग्जांपल कारगिल युद्ध में भी कौन से प्लेन्स थे, ये सियाचिन ग्लेशियर्स के एरिया में भी यही प्लेन्स रहते थे। अमेरिका, ये फ्रांस के प्लेन है, देखो डेल्टा विंग दिख रहा है, डेसॉल्ट एविएशन कंपनी ऑफ फ्रांस, प्लेन का नाम है मिराज 2000, इज अ फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन फोर जनरेशन फाइटर प्लेन। इंडिया में टोटल 51 प्लेन्स है और ज्यादातर प्लेन्स हमने कहाँ खड़े कर रखे हैं, ग्वालियर स्टेशन। रिसेंटली इंडिया ने और दो प्लेन्स खरीदा है पिछले मंथ में फ्रांस से, प्लेन का नाम है मिराज 2000, और वो दो प्लेन्स हमने स्पेशली हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए यूज किया, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे पास में AMCA प्लेन आने वाला है, आपने देखा था ना प्लेन, मतलब तेजस MK2, बड़े प्लेन्स रहेंगे तो पायलट्स के लिए ट्रेनिंग के लिए भी बड़े प्लेन्स चाहिए, उसलिए हम लोगों ने ये लिया। ये प्लेन्स बीच में 10-10 साल के लिए बंद हो गए, फ्रांस कंपनी ने इस प्लेन को देना भारत सरकार को बंद किया, उसका रीजन उन्होंने बताया कि हम लोगों ने रशिया के तरफ में और अमेरिका के तरफ में ज्यादा इंक्लाइंड हो और फ्रांस को नजरअंदाज किए, जिसके चलते उन लोगों ने हमको ये प्लेन्स देना बंद किया, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार स्पेशली F-16 प्रपोजल कैंसिल किया अमेरिका का। उसके बाद टाइफून नाम सुना होगा आपने, या यूरोपियन यूनियन के प्लेन्स, उसको भी कैंसिल किया, और फ्रांस से अच्छा संबंध बनाने के लिए फ्रांस से हमने क्या लिया, फिर रफाल, ठीक है, तो फ्रांस के दो प्लेन्स मिराज एंड रफाल।
ये कौन से प्लेन रशियन ब्रांड, नाम MiG-21 और उसका बेस्ट प्लेन MiG-29। देखो सुकोई और MiG-29 लगभग सेम दिख रहे हैं, सुकोई में भी पीछे में दो विंग है, तो MiG-29 एंड पुराना प्लेन MiG-21 ये डिकमिशन्ड हो गया और अभी ज्यादातर कौन सा है MiG-29। देखिए MiG-21 रशिया का प्लेन है, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन हुआ 62 में, जब इंडिया चाइना की लड़ाई हो रही थी उस समय हमको रशिया ने प्लेन दिया था और बाद में डिकमिशन कब हुआ 2013। अभी हमारे पास में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आफ्टर सुकोई कौन सा है MiG-29, लोकल नाम बस और हॉक, वो हॉक अलग है ये हॉक अलग, एक हॉक ट्रेनिंग वाला है, ये सुकोई 30 MK है, 3000 किलोमीटर तक दूर जा सकता है, भारत का हेवी वेट प्लेन्स, और इसके ऑपरेशन सीलिंग देखिए कितना ऊपर जा सकता है, 17,300 मीटर्स तक ऊपर जा सकता है, और इंडिया में 272 यूनिट्स ऑफ सुकोई है, इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट और खरीदने की चाहती है रशिया टू ऑफर कस्टमाइजेबल MiG-35 जेट्स टू इंडिया, मतलब बेस्ट सुकोई से भी बेस्ट रहेंगे, और अगर इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं खरीदती तो कौन कौन से खरीद सकती है, डेसॉल्ट राइफल तो ऑलरेडी खरीद चुकी है, अमेरिका का F-18, स्वीडन का सैप ग्रिपन, यूरोपियन यूनियन का टाइफून, अमेरिका का F-16, कितने में खरीदते हैं ये काफी करोड़ों में जाते हैं, और हम लोग एक प्लेन नहीं खरीदते, 15,000, 14,000, 6,000 करोड़ में खरीदते हैं, करोड़ में खरीदते, और हम लोग एक साथ पैसे नहीं देते, इंस्टॉलमेंट में देते, इंडियन गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट में देती है, जैसा पहले अगर 40 प्लेन खरीदना है तो पहले 5 प्लेन आए तो 5 प्लेन के लिए जितना पैसा चाहिए उतना देंगे हम, ठीक है, इसके लिए हम लोग, और इतना पैसा आता कहाँ से, इतना पैसा हम उन्हीं गवर्नमेंट से वर्ल्ड बैंक के थ्रू या IMF के थ्रू लोन लेते हैं, स्मॉल इंटरेस्ट लोन लेना अच्छी बात है क्योंकि हमारा काम तो निकल रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट पैसा नहीं है इसलिए डेवलपमेंट को रोकना ठीक नहीं, पैसा नहीं इसलिए लोन भी लीजिए, डेवलपमेंट भी होगा, डेवलपमेंट का आउटकम भी आएगा और लोन भी धीरे धीरे चुकता होगा, काम तो निकल रहा है मेन मतलब। स्पेन से देखिए इंडियन गवर्नमेंट हर एक से साथ में अच्छा संबंध बना रही है इसलिए स्पेन के साथ में भी अच्छा संबंध बना, स्पेन की बेस्ट कंपनी एयरबस, इंडिया में पुराने जमाने के प्लेन मतलब हरकुलस और ग्लोब मास्टर आने के पहले जो ट्रांसपोर्ट के लिए प्लेन यूज करते थे उसका नाम था एवरोस, ब्रिटिश के प्लेन, अब ब्रिटिश के प्लेन हो गए पुराने, एवरोस की जगह पर अब हम ने जो खरीदा है एयरबेस कंपनी के प्लेन, नाम है इसका 56295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो बोइंग कंपनी हो गई अमेरिका की और एयरबस स्पेन का, हिंदू का न्यूज आया था। अब ये मिसाइल S-400 ट्रंप मिसाइल, इट इज कैसा मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, इसलिए सैम लिखा सरफेस टू एयर मिसाइल, डेवलप्ड बाय रशिया, और एक साथ ये कितने टारगेट भेज सकता है, 4 इंटरसेप्ट कर सकता है, दिख रहे हैं 4, ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड में S-400 को टक्कर देने के लिए एक ही मिसाइल है, नाम थार्ड, THAAD, थार्ड का फुल फॉर्म देखिए T फॉर टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, और प्रॉब्लम है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने थर्ड मिसाइल साउथ कोरिया को दिया, तो कौन चिल्लाएगा, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं बन रहा ना, 1953 में जो लड़ाई हुई थी नॉर्थ कोरियन एंड साउथ कोरियन वॉर, उससे दो कंट्री डिवाइड हो गए थे, और साउथ कोरिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर यूएस, यूएस का लेफ्टिनेंट है साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया ने क्या किया, अमेरिका की बनाई हुई कौन सी मिसाइल थर्ड अपने बॉर्डर पर रखा, तो ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया चिल्लाएगा, ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, S-400 को खड़ा किया उनके बॉर्डर पर, ठीक है, तो S-400 खरीदने वाला कौन कौन सा कंट्री है, फर्स्ट नंबर का कंट्री S-400 खरीदने वाला है चाइना, सेकंड नंबर का नॉर्थ कोरिया, और थर्ड इंडिया, जब इंडिया ने S-400 खरीदा तो स्वाभाविक बात है अमेरिका इश्यू क्रिएट करेगा, ठीक है, और रिसेंटली और एक न्यूज चल रही थी कि S-400 मिसाइल्स जो है वो तुर्की खरीदना चाहता है, ठीक है, एंड तुर्की इज द बेस्ट कंट्री ऑफ नाटो,
और नाटो का कंट्री होने की वजह से तुर्की, अमेरिका कह रहा है कि तुर्की ने ये मिसाइल खरीदना नहीं चाहिए, पर आने वाले दिनों में S-400 जो है वो तुर्की खरीदने वाला है। इसका मतलब कैट्सा फिर और एक कंट्री को ज्वाइन हो जाएगा, तुर्की। डेडली मिसाइल शील्ड, ये देखिए मिसाइल्स, ये ट्रक होते हैं और इनको ऐसे रख के फिर यहां से मिसाइल्स निकलते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स। और ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है चार होते हैं, यहाँ पे देखो फोर काइंड ऑफ मिसाइल्स टू इंटरसेप्ट। थर्ड में एक ही खास बात है कि थर्ड में एक वक्त पे एक ही रोक सकता है, तो थर्ड से ज्यादा अच्छा कौन सा है फिर? एक साथ चार मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं अलग अलग रेंज में। यहाँ दिया है मैंने सुपीरियर डिफेंस के नाम लिखा है ना, अभी सुपीरियर डिफेंस में एक 40 किलोमीटर पे रोक सकता है, एक 120 250 किलोमीटर, इन सब पे रोक सकता है। तो ज्यादा बेस्ट कौन सा है फिर? S-400। सोचो अगर अमेरिका ने यूएसएसआर को कट नहीं करता, मतलब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, तो वर्ल्ड का कितना प्रभावशाली कंट्री होता यूएसएसआर। ये देखिए बड़ा पैराबोला ब्लू वाला जो है बैलिस्टिक हुआ, और छोटा पैराबोला क्रूज मिसाइल। तो विद इन एटमोस्फियर क्रूज एंड आउटर स्पेस में जाके वापस जा रहा है वो बैलिस्टिक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी और अग्नि, पर इंडियन गवर्नमेंट पृथ्वी और अग्नि पे ज्यादा रिलाय नहीं कर सकता, इसलिए छोटा प्रोटोटाइप चाहिए। तो हम लोगों ने शौर्य, नाग, त्रिशूल, आकाश, ये मिसाइल्स बनाए, ठीक है। और क्रूज में हमने नाम बताया था निर्भय एंड ब्रह्मोस। ट्रेजेक्ट्री मतलब ये जो पाथवाइज, मिसाइल्स का डेफिनेशन, व्हाट इज मिसाइल? मिसाइल्स आर काइंड ऑफ रॉकेट्स एंड कैन हैव स्टेजेस। मिसाइल्स में भी रॉकेट्स में स्टेजेस होते हैं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। पहला स्टेज का जो फ्यूल रहेगा वो कैसा रहेगा? सॉलिड के लिक्विड, सॉलिड, और सेकंड का ज्यादातर लिक्विड। फिर थर्ड स्टेज में वापस हम लोग सॉलिड डालते हैं, ऐसे अलग अलग बूस्टर होते हैं। मिसाइल्स को किसके लिए यूज कर सकते हैं? मिसाइल्स आर नॉट यूज टू लॉन्च सैटेलाइट, दे आर मोस्टली यूज फॉर वेपन्स एंड यूज टू अटैक एंड डिस्ट्रॉय एनिमी। मिसाइल्स के तीन प्रकार होते हैं, चाहे वो सबसोनिक हो सकता है, सुपरसोनिक, या फिर हाइपरसोनिक। इंडिया में कौन कौन से मिसाइल्स है? डिपेंडिंग ऑन द वे दे आर यूज्ड, मिसाइल्स क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज, ठीक है। मेन कैटेगरी है बैलिस्टिक और क्रूज, और अलग कैटेगरी में देखिए। फर्स्ट, सरफेस टू सरफेस कौन कौन सी है? अग्नि, पृथ्वी, धनुष, प्रहार एंड शौर्य। नेक्स्ट, सरफेस टू एयर मतलब जमीन से हवा में मारने वाले, आकाश, एयर टू एयर अस्त्र, मतलब एक प्लेन से हमने दूसरे प्लेन को अगर मारना है तो कौन से मिसाइल यूज कर रहे हैं हम लोग? अस्त्र। फिर एंटी टैंक मिसाइल, ऊपर से अगर टैंक को मारना है, फाइटर प्लेन अगर को अगर टैंक को खत्म करना है, तो उसके लिए कौन से यूज करते हैं वो लोग? नाग मिसाइल या फिर हेलीना, हेलीना का फुल फॉर्म हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल। क्रूज मिसाइल में निर्भय एंड ब्रह्मोस। सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल मतलब ऐसे मिसाइल्स है कि जो पानी के अंदर से भी हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, मतलब अंडरग्राउंड टू सर्फ एयर। इसके अलावा इंडिया के पास में और भी मिसाइल्स है, नाम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब अगर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल आती है तो उसको रोकने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। तो हमारे पास में दो है ऐसे, एक का नाम है PDEV और दूसरा AED का मतलब होता है एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, और PDV का मतलब होता है पृथ्वी डिफेंस सिस्टम, इनके नाम दिया मैंने। और लास्ट सैटेलाइट जो लेटेस्ट वेरिएशन चल रहे वर्ल्ड में, उसका नाम है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, मतलब यहां से हम लोग आसमान में मिसाइल को भेज रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल को, और वहां पे जो पुराने सैटेलाइट्स है या कोई प्रॉब्लमेटिक सैटेलाइट है उसको मार सकते हैं। वर्ल्ड में से तीन ही कंट्रीज है जिनके पास में ऐसे मिसाइल्स है, वो है रशिया, यूएसए, इसराइल और इंडिया। मतलब हम यहां से बैठे बैठे ऊपर के सैटेलाइट्स को खत्म कर सकते हैं। व्हाई दिस सैटेलाइट्स? एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। इंडिया बिल्ड्स ऑल दिस टाइप्स ऑफ मिसाइल्स फॉर इट्स डिफेंस फोर्सेस। और ये सभी मिसाइल्स का एक्सपेरिमेंट कहां पर होता है? कहां से लॉन्च करते हैं इसको? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, बालासोर, ओडिशा। मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल का डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फ्लाई विद इन द एटमोस्फियर, ये मैन्ड रहता है कि अनमैन्ड? अनमैन्ड, उनके बारे में यहाँ पे ये दिया।
कौन कौन से मिसाइल से क्रूज में देखिए, फर्स्ट मैंने दिया ब्रह्मोस, पहले कितना था 290, मतलब 300 किलोमीटर से 10 किलोमीटर हमने कम रखा, क्यों? क्योंकि तब इंडिया एमटीसीआर का मेंबर नहीं था, और जब इंडिया अमेरिका के मदद से एमटीसीआर का मेंबर बना तो अभी हम लोग इसको 600 किलोमीटर तक लेके जा सकते। इसका छोटा वेरिएशन निर्भय मिसाइल। अस्त्र इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्रूज मिसाइल। ये देखिए निर्भय, जो पहला फोटो दिख रहा है आपका, ये पहला फोटो जो है वो निर्भय मिसाइल है, और जो सेकंड मिसाइल है यहाँ पे लिखा है मैंने अस्त्र मिसाइल, लिखा है सेकंड इमेज इन राइट साइड, अस्त्र मिसाइल एंड निर्भय मिसाइल, दोनों क्रूज मिसाइल के एग्जांपल्स। नेक्स्ट कौन सी होती है? बैलिस्टिक। बैलिस्टिक का एग्जांपल देखिए, पृथ्वी, उसका बड़ा वर्जन अग्नि, आकाश, केएम मिसाइल्स। केएम मिसाइल्स अमेरिका रशियन के, और ऐसे मिसाइल्स जो आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को रोकेंगे उसके लिए होते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। उनके नाम दिए, एग्जांपल पैड, पृथ्वी, एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एएडी। डिफरेंस बिटवीन क्रूज एंड बैलिस्टिक्स। थर्ड काइंड ऑफ मिसाइल यहां देखिए, ये इंडिया की तरफ से एक मिसाइल लॉन्च हुआ और ये पाकिस्तान ने मे भी लॉन्च किया, दोनों मिसाइल ऊपर में जाके ब्लास्ट हो रही है, मतलब पाकिस्तान के मिसाइल इंडिया में आने के पहले ही उसको रोक रहे हैं हम लोग। ऐसे मिसाइल को कहते हैं हम लोग इंटरसेप्टर। तो इंडिया में इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम है एड, AAD, और एडवांस एयर डिफेंस का नाम चेंज करके फिर कर दिया हमने अश्विन। तो इंडिया में एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, नाम अश्विन, इंटरसेप्टर मिसाइल्स। ये देखो गजराज दिख रहा है प्लेन, ये गजराज प्लेन, और गजराज प्लेन के ऊपर देखो रडार लगा है गोल वाला, गजराज प्लेन देखो, फोर इंजन प्लेन है, चार टर्बोफैन, और उसके ऊपर देखो ये रडार लिख रहा है गोल गोल। ये रडार हम लोगों ने इजराइल से खरीदा, इस रडार का नाम देखो क्या लिखा है, एवेक्स, फुल फॉर्म आ चुका था इस एग्जाम में, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अलर्ट्स कंट्रोल सेंटर, के ऊपर में कोई प्रॉब्लमेटिक हो रहा है तो रडार बताएगा। मतलब नॉर्मली जमीन पे ही रडार होता है, पर इंडिया में ऐसे भी प्लेन्स है गजराज, मुझे कुछ प्लेन्स में हम लोगों ने इजराइल बेस्ड एवेक्स सिस्टम लगाया, मतलब हवा में भी रडार का काम करके वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, ग्राउंड इंफॉर्मेशन। अश्विन के बारे में दिया है। अब एपीजे अब्दुल कलाम का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम इज ए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और इनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान या प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, द प्रोजेक्ट स्टार्ट बाय डीआरडीओ सिंस 1982। तब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट स्टार्ट बाय प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और इस प्रोजेक्ट के अंदर में पांच इंपॉर्टेंट मिसाइल्स का काम है, पटना मिसाइल ध्यान रखिए, पटना, पी फॉर पृथ्वी, ए फॉर अग्नि, टी फॉर त्रिशूल, एन फॉर नाग, ए फॉर आकाश। ये मैंने एक वेबसाइट से लिया है, पटना मिसाइल्स। द फाइव मिसाइल डेवलप्ड अंडर दिस प्रोग्राम्स आर पटना मिसाइल्स, ठीक है, ये देखिए IGMDP 1982 प्रोग्राम और पटना मिसाइल्स, PANTA। ये पांच प्रोग्राम कहां के? एपीजे अब्दुल कलाम का पेट प्रोजेक्ट, डीआरडीओ का फोकस, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप पटना मिसाइल्स, अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मोस एंड रुस्तम। रुस्तम क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ड्रोन्स क्या होता है और एयर स्पेस मैप क्या है। ये दिख रहा है, इसका नाम क्या है? लक्ष्य, रुस्तम, अच्छे अच्छे नाम है इनके, अलग अलग नाम है। रुस्तम भी एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, फर्क इतना है कि बहुत बड़ा बड़ा प्लेन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। उसके बाद ये वाला मिसाइल देखिए, क्लियर नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, पिनाका दिख रहा है। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, मतलब एक साथ कम से कम मिनिमम एक साथ कितने, चार सोलह रॉकेट जा सकते हैं तुरंत, फटाफट कंटिन्यूसली 16 रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है एक ट्रक पर, नाम
पिनाक, ये सब डीआरडीओ के अचीवमेंट्स। और डीआरडीओ वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में आता है जो मिसाइल्स और प्लेन्स बनाता है। नेक्स्ट अबाउट अग्नि मिसाइल, सबसे पहले अग्नि का वेरिएशन कितना था, अग्नि 1, और फ्यूचर में क्या बना रहे अग्नि 6। इन मिसाइल के साथ साथ में एक नेविगेशन सिस्टम भी लगा रहता है, रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम प्लस माइक्रो नेविगेशन सिस्टम। इसका मतलब है कि मिसाइल जैसे जैसे आगे जाएगा नेविगेट करेगा, इसका मतलब गाइडेड वर्जन हुआ, तो मिसाइल गाइडेड हुई, ठीक है। तो इंडिया में 6 मिसाइल्स है फ्रॉम अग्नि 1 टू अग्नि 6। वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज है जिनके पास में तकनीक है, उसमें से एट प्रेजेंट यूएसए, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस एंड इजराइल, जिनके पास ये बेस्ट टेक्निक्स। रेंज देखिए अग्नि 1 से लेके अग्नि 6 तक कितने स्टेज है, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, थ्री स्टेज। सिंगल स्टेज है तो रॉकेट कैसा रहेगा, सॉलिड, सॉलिड फ्यूल, सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, सॉलिड लिक्विड वापस सॉलिड, मतलब और ज्यादा फास्ट जाएगा। इनकी रेंज देखिए, सबसे ज्यादा रेंज अभी तक इंडिया के पास में 5th तक बना है, 6वां बन रहा है, मतलब 5000 किलोमीटर तक एक्सपेरिमेंट करने वाला हमारे पास में अग्नि 5 अब तक तैयार है। रिसेंट इन द न्यूज सितंबर 2021 करंट अफेयर्स, अग्नि पी मिसाइल्स, पी मतलब प्राइम, ठीक है। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि प्राइम मिसाइल्स, अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर बैलिस्टिक कैपेबल मिसाइल्स। उसके बाद अग्नि का छोटा वेरिएशन पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है छोटे वेरिएशन में, पृथ्वी 1 एंड पृथ्वी 2। और पृथ्वी को जब नेवी के लोग छोड़ेंगे तो उसको पृथ्वी यूज नहीं करते, तब उसको नाम होता है धनुष, यहाँ पे लिखा है मैंने, धनुष इज अ नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी मिसाइल्स। ये देखिए रेंज कितना कम, अग्नि में रेंज बहुत ज्यादा थी, अग्नि से बहुत कम रेंज है किसकी, पृथ्वी की, इसलिए हम पृथ्वी और बाद में अग्नि यूज करते हैं। पृथ्वी मिसाइल्स धनुष नेवी वेरिएंट, नाग मिसाइल्स आर्मी वेरिएंट। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दिया है, पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल 2021 में बालासोर आइलैंड को छोड़ते हुए, ओडिशा से छोड़ते हुए कहां से लॉन्च किया गया, अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड से लॉन्च करने का पहला रीजन था जापान के मिल, जापान कहता है कि इंडिया में अंडमान आइलैंड्स काफी आइलैंड्स पे लोग नहीं रहते, काफी आइलैंड्स ऐसे ही पड़े हैं, उन आइलैंड को स्ट्रेटेजिक बेस बनाना चाहिए, चाहे वो लॉन्च व्हीकल्स के लिए हो या अदर पर्पस के लिए। तो उसी के उपलक्ष्य में 2021 में भारत सरकार ने पहली बार अंडमान आइलैंड से मिसाइल लॉन्च किया, नाम ब्रह्मोस। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एमटीसीआर, देखा था हमने, पहले एमटीसीआर का मेंबर नहीं था, 300 किलोमीटर के अंदर में रेंज था, अभी हम लोग 300 से ज्यादा 600 किलोमीटर तक ब्रह्मोस को उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट अदर बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी है, मतलब अग्नि पृथ्वी तो है, उसके अलावा आकाश, त्रिशूल, नाग, के मिसाइल्स और शौर्य मिसाइल्स। नाग मिसाइल का दूसरा नाम हेलिना, हेलिना मिसाइल हेलीकॉप्टर से लॉन्च होता है, इसलिए नाम क्या दिया उसका, हेलिना नाग। रॉकेट और जेट में क्या डिफरेंस होता है, जेट फास्ट होते हैं और रॉकेट थोड़े कम फास्ट होते हैं दोनों, और दूसरा डिफरेंस रॉकेट अपने साथ में ऑक्सीजन लेके जाता है, जाता है क्या रिकॉर्ड, जैसा कि स्पेस में वो कोई सैटेलाइट भेजना है तो रॉकेट से भेजते हैं कि जेट इंजन से, रॉकेट से, और वो अपने साथ में ऑक्सीडाइजर लेके जाता है, मतलब ऑक्सीजन लेके जाता है। और जो जेट प्लेन्स होते हैं वो हवा से ही ऑक्सीजन उठाते हैं, वो हवा से ही ऑक्सीजन लेते हैं, तो ज्यादातर एटमोसफेयर के विद इन जेट हो गया, और स्पेस में भी कौन जा सकता है, रॉकेट जा सकते हैं, ठीक है, वो डिफरेंस दिया है दोनों। ये देखिए इसका फोटो, जो जेट होते हैं वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, जो जेट होते हैं वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों में देखिए जेट इंजन के तीन एग्जांपल्स। द मेन प्रोसेस इन जेट इंजन इज, पहला कॉम्प्रेशन, मतलब बाहर से जो हवा आ रही है, जैसा प्लेन भी कोई जाएगा या मिसाइल कोई जाएगा तो आने वाली हवा को कॉम्प्रेस करेगा, तो पहले कॉम्प्रेस करेगा, उसके बाद कंबक्शन, आने वाली हवा से ऑक्सीजन मिलेगा तो जलाएगा, ये देखो बी है कंबक्शन,
और लास्ट है जो लाल वाला येलो वाला है वो एग्जॉस्ट, पीछे में धुआं निकलेगा, एग्जॉस्ट होगा। मतलब मिसाइल जैसे जैसे आगे जाएगा या प्लेन जैसे जैसे आगे जाएगा तो वहां से ऑक्सीजन उठाएगा, तो ऑक्सीजन जब उठा रहा है तो पहले स्टेज क्या रहेगा, कॉम्प्रेशन, इसलिए ब्लू कलर दिखा रहा है। बाद में वो जलाएगा बीच में, कंबक्शन, और बाद में एग्जॉस्ट। तो जेट इंजन के तीन प्रोसेस होते हैं, सी सी एन ई, जेट इंजन के तीन बेस एग्जांपल, टर्बो जेट, रैमजेट और स्क्रैमजेट। सबसे बेस्ट वेरिएशन कौन सा रहेगा, स्क्रैमजेट, और सबसे लो वेरिएशन टर्बो जेट। इंडिया में जो ब्रह्मोस मिसाइल है कौन से कैटेगरी के, फिलहाल रैमजेट के हैं, और फ्यूचर में उसको और डेवलप बनाना है, मतलब 600 किलोमीटर दूर जाना है तो प्रोसेसिंग भी फास्ट चाहिए, तब क्या यूज करेंगे, स्क्रैमजेट। ये देखिए नीचे में हवा का कलर ब्लू दिखा रहा है, इसलिए कॉम्प्रेंशन, फिर कंबक्शन और एक्सपांशन। ये तीन प्रोसेस जेट इंजन की होती है, ना कि रॉकेट की। इसी को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। तो टर्बोजेट, रैमजेट और स्क्रैमजेट स्पीड के आधार पर फास्ट है। स्क्रैमजेट छोटा भी रह सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इंडिया में सुपरसोनिक जो है वो रैमजेट है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ना ब्रह्मोस, इट इज अ टाइप ऑफ रैमजेट, और हमारे इंजीनियर्स उसको और स्क्रैमजेट पे बना रहे हैं। स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म देखिए क्या है, स्क्रैमजेट, एस फॉर सुपरसोनिक, क्रैम फॉर कंबक्शन, रैमजेट। लास्ट टॉपिक, मिशन शक्ति। 2019 में पहली बार हम लोगों ने जमीन से ऊपर सैटेलाइट को मार दिया, उस ऑपरेशन को नाम दिया हमने मिशन शक्ति। इंडिया कंडक्टेड 2019 एंटी सैटेलाइट टेस्ट, ए सैट टेस्ट फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ऐसे करने वाले हम सिर्फ फोर्थ कंट्री इंडिया में जो सैटेलाइट्स को मार सकते हैं, फर्स्ट यूएसए, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना, सॉफ्ट किल या फिर हार्ड किल। ये देखिए उसका फोटो एक्सप्रेस। इंडिया जॉइंस थ्री सुपर पावर, कौन कौन से सुपर पावर है, फर्स्ट ये यूएसए, नेक्स्ट रशिया, चाइना, और अभी इंडिया, जो जमीन से सैटेलाइट्स को खत्म कर सकता है। मिशन शक्ति। लास्ट टॉपिक फिर खत्म करके रिवीजन करेंगे। लास्ट टॉपिक क्या है, ऑर्डनेंस फैक्ट्री का नाम सुना है, ऑर्डनेंस फैक्ट्री इंडिया में आर्म्स और एम्यूनेशन बनाते हैं, स्पेशली बारूद, ठीक है, जैसा डिफेंस, ये अपना ये है चंद्रपुर, जानते हैं आप लोग चंद्रपुर, नाम सुना होगा ना, चंद्रपुर में भी ऑर्डनेंस फैक्ट्री है, वाड़ी नागपुर वहां भी ऑर्डनेंस फैक्ट्री है, और जवाहर नगर करके यहाँ पे नागपुर रोड पर भंडारे के पहले गांव है वहां पे ऑर्डनेंस फैक्ट्री जवाहर नगर। ऐसे इंडिया में ऑर्डनेंस फैक्ट्री टोटल 41 है, हमारे एरिया में तीन है। नागपुर में कितने ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज है, तीन मेन, एक चंद्रपुर वाला आ गया ना, नागपुर डिवीजन में पूरा चंद्रपुर, वाड़ी और जवाहर नगर। जवाहर नगर में जो स्पेशली बनते हैं वो बनते हैं ऊपर का शेल, जैसा बॉम्ब बन रहा है तो बॉम्ब के ऊपर का शेल बनेगा, अब बॉम्ब के अंदर में होता है बारूद, वो बनता है चंद्रपुर में। दोनों लाया जाता है ट्रक वायर, हमको पता भी नहीं चलता कब आता है, तो ट्रक से आता है और दोनों की असेंबली होती है वाड़ी में, और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे इंडिया में हम लोगों ने एक ही जगह पर सेंटर्स नहीं बनाए, इंडिया ने अलग अलग बनाए, एक पे प्रेशर नहीं दिया। तो ऐसे हम लोगों ने 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज बनाए, ठीक है, और ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को ऑपरेट करता है आईएएस ऑफिसर, मतलब ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज की भी सर्विस होती है ना, आपने देखा ना पूरे सर्विसेज के नाम। तो इंडिया में से कितने ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज है, 41, मतलब 70,000 से 90,000 लोग काम करते हैं इस पूरे ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट के एयरपोर्ट्स है। और ऑर्डनेंस फैक्ट्री का जो सेक्शन है ये ब्रिटिश ने बनाया था, इंडिया की ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कितनी पुरानी है, लगभग 240 ईयर ओल्ड। नाम ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और चलाता है इसको आईएएस ऑफिसर्स। अभी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स जो 200 साल 240 साल पुरानी है, इसको इफिशेंसी के नाम पर बीजेपी गवर्नमेंट ने अलग कर दिया, अच्छी बात है, वैसे भी ये काफी दिन से आउटडेटेड चल रही थी, ठीक है। इफिशेंसी के नाम पे हम लोगों ने इसको कॉर्पोरेट, मतलब प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इसको कितने एंटिटीज बना दिए, सेवन, मतलब वो इंडिया की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज चेंज बन के, चेंज होके कितने एंटिटीज बन गई, सेवन एंटिटीज। रीजन फॉर डिसोल्यूशन, पहला कि अभी भारत सरकार ने डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन बढ़ा दिया, 74% प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया। दूसरा, ये काफी आउटडेटेड और ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी इफिशियंसी में कम थी,
उन सबको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इसको स्प्लिट करके कितना कर दिया, 7 कर दिया। मतलब सिंपल भाषा में इफिशियंसी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने ये कदम उठाया और 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का नाम दिया गया है। ठीक है, और कौन कौन से कमिटीज ने, मैं भी पूछ सकते हैं वो कौन कौन से कमिटीज ने सुझाव दिया, फर्स्ट नायर कमेटी, नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट विजय केलकर एंड रमनपुरी कमेटी, और रिसेंटली शेकटकर कमेटी। इन सभी ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्टर को रिवैम्प होना बहुत जरूरी है, और मेन रिवैम्प कमेटी की वजह से नहीं आया, मेन रिवैम्प इस आर्टिकल के थ्रू, इस बंदे के थ्रू आया, इंडिया के ऑफिसर होते ना कैक, आर्टिकल 148 है ना, कैक का आर्टिकल 148 है और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आर्टिकल 112 बजट जो बताया था हमने। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148 हम लोगों ने एक पोस्ट बनाया, पोस्ट का नाम जो ऑडिट करता है। ठीक है, तो इनके ऑडिट रिपोर्ट में पता चला है कि ओएफबी बहुत ही डिसफंक्शनल हो रहे हैं, इफिशियंट नहीं है। ठीक है, प्लस इन कमिटीज के रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाएगा। 70,000 एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज पे इफेक्ट पड़ा इसका। डिफेंस का पार्ट जितना था उतना कवर किया हमें डिफेंस। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर स्पेस। ठीक है, तो डिफेंस में जितना है उतना कवर किया, और कौन कौन सा पढ़ना है हमको, स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फिर लास्ट क्लास में हम लोग सोलार जियो थर्मल उनके करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले बायोटेक्नोलॉजी के इश्यूज, नैनो टेक्नोलॉजी के इश्यूज, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस में जानते ना आप लोग कितने सैटेलाइट्स अभी हमारे ऊपर है, फंक्शनल सैटेलाइट्स। वर्ल्ड के रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में 60% सैटेलाइट जो है हवा में जो अभी घूम रहे वो डिसफंक्शनल हो चुके हैं। ऑपरेशन में कितने परसेंट है, सिर्फ 40। ठीक है, मतलब लगभग 6,000 या 8,000 सैटेलाइट्स ही होंगे जो हमारे ऊपर अभी घूम रहे हैं, बाकी सब स्पेस डेब्रिस है। ठीक है, इंडिया में दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स दो है, GSLV एंड PSLV। GSLV सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स के लिए यूज करते हैं जो काफी ऊपर भेजना है, जनरली 36,000 किलोमीटर, और अर्थ को पास में मैप करना है तो PSLV। ठीक है, फर्क है कि PSLV जो है वो नॉर्थ टू साउथ घूमते हैं अर्थ के ऊपर, पोलर रेंज, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, और दूसरा जो है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल का रेडियस भी कम हुआ ना, अर्थ ऐसी दबी हुई है और इक्वेटोरियल बल्ज साथ है, तो ऐसे अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, लो ऑर्बिट्स से लेके हाई ऑर्बिट्स, वो सब देखेंगे स्पेस। स्पेस एंड फादर ऑफ इंडिया, स्पेस फादर विक्रम साराभाई, न्यूक्लियर फादर होमी जहांगीर बाबा। कितने प्लांट्स इंडिया में, 7 रिएक्टर्स, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इंडिया में आज भी अप्रॉक्स 7,000 मेगावाट की बिजली किससे बन रही है, न्यूक्लियर से। न्यूक्लियर अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर वेस्ट से हम लोग मेडिसिन बना रहे हैं, न्यूक्लियर वेस्ट से हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स में उसका यूज कर रहे हैं, या इवन न्यूक्लियर वेस्ट से हम लोग फर्टिलाइजर्स भी बना रहे हैं। ठीक है, तो रिपीट करते हैं डिफेंस में, सबसे फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था, लेटेस्ट कौन से मिनिस्ट्री बने, डिपार्टमेंट बना, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफ। फिर कोर ग्रुप देखा हमने अजीत डोवल का, उसके बाद में इंडिया में हमने रशिया से कुछ प्लेन्स खरीदे, मिसाइल्स खरीदे वो देखा, अमेरिका से देखा, साथ साथ में हम लोगों ने एयरबस ऑफ स्पेन वो देखा। ठीक है, फिर मिसाइल्स के प्रकार देखा हमने, बैलिस्टिक और क्रूज, सबसोनिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक। उसके बाद में मिसाइल्स के अलग अलग नाम, कुछ सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर वो देखा, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिशन, मिशन शक्ति। ठीक है, S-400 मिसाइल्स देखा हमने, वो कौन से मिसाइल्स है, इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर में खत्म कर दे रहे वो। फिर बराक मिसाइल्स ऑफ इजराइल। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट फाइटर प्लेन्स हमने देखा, फॉर एग्जांपल सुकोई 30 एमकेआर, इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मिग 29 का आउटडेटेड वर्जन मिग 21। फिर मिराज 2000 राफेल, ये कहाँ के, फ्रांस के, डेसॉल्ट एविएशन के। फिर इंडिया का खुद का बनाया इंडिजीनियस
तेजस एलसीए और फ्यूचर में क्या बनने वाला है एलसीए तेजस 2 एमके है 2 फिर एक और एक नाम था डीई कुछ से भी नाम था ना डेक डेक कॉरिडोर वाला हाँ डबल कुछ से भी नाम था ना मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा एएमसी उसका नाम है एएमसी उसका नाम है उसका दूसरा नाम था इंडिया में कितने जनरेशन के सैटेलाइट प्लेन चल रहे अभी फिलहाल 4.5 और दुनिया में 6 जनरेशन जितना ज्यादा जनरेशन उतना मोबिलिटी और कैपेसिटी उसकी ज्यादा रहेगी एवोनॉइक सिस्टम मतलब न्यू जनरेशन के सैटेलाइट्स ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी ज्यादा रहेंगे फिर अपाचे देखा था हमने अपाचे इज अ टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर ठीक है अपाचे इज अ लैंड वर्जन वेयर एज रोमियो इज अ सी वर्जन रोमियो ज्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट खड़ा रहेगा ठीक है P-81 पोसिडियन एयरक्राफ्ट मैरिटाइम सर्विलेंस के लिए यूज करते हैं हरकुलस एंड ग्लोब मास्टर बड़ा रनवे ग्लोब मास्टर छोटा रनवे हरकुलस स्मॉल ऑपरेशंस के लिए हरकुलस बड़े ऑपरेशंस के लिए ग्लोब मास्टर मॉनिटरिंग करना है हमको सर्विलेंस करना है पानी की तरफ तो P-81 पोसिडियन ठीक है इसके अलावा अमेरिकन रशियन ब्रांड इल्यूजन 76 भी हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं गजरा और उसके ऊपर में एक रडार भी लगा रहता है एवॉक्स AWACS देखा ना उसके अलावा हमारे पास में एंटी टैंक मिसाइल भी है जो जिसका नाम है अर्जुन या भीष्म रशिया से लिया हुआ कमाओ हेलीकॉप्टर्स रशिया ब्रह्मोस रशिया विक्रमादित्य रशिया इंडिया ने खुद का बनाया INS विक्रांत जो डिकमीशन होने का जो कमीशन होने का है अभी और फ्यूचर में क्या बन रहा है INS दिशा इंडिया में 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसमें से पहला देखा था HAL बैंगलोर BHEL बैंगलोर BEL बैंगलोर 2 डी वाले थे मिश्र धातु निगम लिमिटेड बिधानी और भारत डायनामिक्स दोनों फिर 4 कोस्टल थे एक मैस्को डॉक लिमिटेड बॉम्बे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम वाइजैग और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स फिर कल देखा था स्कॉर्पियंस क्लास सबमरीन फ्रांस से लिया था ठीक है INS कालावर इंडिया की खुद की बनी हुई INS अरियंत भी खुद में बना है पर कितना है कि INS अरियंत जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सबमरीन है और INS कालावरी डीजल इंजन डीजल सबमरीन दो सबमरीन होते हैं डीजल और न्यूक्लियर कौन सी मिसाइल कौन सी सबमरीन अच्छी होती है न्यूक्लियर अच्छी होती है पर वो लॉन्ग ऑपरेशंस के लिए और सी डेप्थ के लिए काम आ सकती है पर शैलो वाटर के लिए डीजल ही अच्छी रहती है ठीक है डीजल का एक ही प्रॉब्लम है कि उसको बार बार रिसर्फेस होना पड़ता है ऑक्सीजन करने के लिए पूरे वर्ल्ड में डिफेंस में हम लोग आर्मी में सेकंड नंबर पे चल रहे हैं अमेरिका और फोर्थ नंबर पे नेवी में और एयरफोर्स में पटना मिसाइल्स देखा था हमने एपीजे अब्दुल कलाम का प्रोजेक्ट पटना फॉर पी फॉर पृथ्वी ए फॉर अग्नि एन फॉर टी फॉर त्रिशूल एन फॉर नाग एन ए फॉर आकाश बाकी ठीक है इतना और फिर भी हमने ये कवर किया इतना है ठीक है अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे तो न्यूक्लियर लूंगा मैं या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी आप लोग कहाँ से पढ़ रहे साइंस एंड टेक साइंस एक डायनेमिक सब्जेक्ट है मैंने कल ही कहा था एवरेज में प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन आएंगे एवरेज में ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं मिनिमम मेंस में कितने रहेंगे 3 साइंस एंड टेक में मिनिमम 3 रहे उसमें से एक बायोटेक्नोलॉजी पक्का रहता है पिछले बार कोविड के बारे में आया था ठीक है एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इनपुट्स हुआ डिफेंस इनपुट सब क्या रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मार्केट में 2 बुक चल रही है अगर आप ले सकते तो लीजिए पर उतनी काम के नहीं उसके भी नोट्स में यहाँ पे दिया एक है वो कल राजा राम का बुक चल रहा है कल्पना राजा राम का और एक राजीव अग्रिहारी का लेकिन इन लोगों ने भी वॉइस नोट्स बनाए जहाँ से मैंने बनाया इतना भी पढ़ ले तो काफी है बाकी तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ ही लेंगे ज्यादातर साइंस अफेयर्स के ज्यादातर जो थीम होती है वो करंट बेस्ड होती है इसलिए करंट के नोट्स रहेंगे वो और इतने काफी ठीक है प्लस पुराने पेपर से आप देखिए फिर बिट करेंसी है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह है वो हम लोग इसमें लेंगे आईटी और डिजिटल इंडिया वगैरह जब पढ़ेंगे ना आईटी
साइबर सिक्योरिटी, फिर एआई, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, उसमें देखें। एलेक्सा का नाम सुना है आपने? एलेक्सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलो एआई भी है, और एआई में एक वर्जन है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो है। आईओटी पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, एआई पे मेंस पे आ चुका है, ठीक है। चलो एनवायरनमेंट का टेस्ट हुआ क्या? अभी होने वाले थे, सर को शायद बाहर गए थे सर, उस सभी कैम था, मैंने पेपर दे दिया है। एक राजा राम का बुक, एक राजा राम, कल्पना राजा राम का, और राजीव अग्रिहरी पुस्तक है। ठीक ठाक है, उतने बेस्ट नहीं पर ठीक ठाक है, काम निकल रहा था। साइंस एंड टेक के वैसे भी मार्केट में ज्यादा बुक नहीं है, सिर्फ टीएमएच को छोड़ के, टाटा मैग्रो हिल का ही बुक चल रहा है ना ज्यादातर। ठीक है, मेरा बटन फ्री कर दिया। मेरा बटन फ्री कर दिया। मेरा बटन फ्री कर दिया।
Thank you.